वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू you. <coughs> CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप पढ़ने जा रहे हैं अपने सी ए अकाउंटेंसी का सबसे हाइएस्ट वर्जन जो कि सी ए फाइनल में आता है और सबसे प्रमुख पेपर में मानता हूं इसको क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका ऑडिट आ जाता है इसी पर बेस्ड आपके आप बाकी पेपर्स भी आ जाते हैं क्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपके बाकी टॉपिक्स में इसका हेल्प मिलता है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है ये बहुत ही बड़ा एक्सटेंसिव पेपर है इसका कोर्स इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है इस वजह से स्टूडेंट्स को कई बार ये पेपर खतरनाक भी दिखाई देता है और कई बार उनको अगर अच्छा लगना शुरू हो जाए तो बहुत मजा भी आता है उनको मैं आपको इस पेपर में पूरी तरह से आनंदित करने का प्रयास करूंगा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करके विद द फुल फोकस ऑन प्रैक्टिस हम अपने पास इस पेपर को इस तरह से तैयार करेंगे कि आपके रैंक के लिए या आपके जो पेपर्स की मार्कशीट है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके इसी पेपर में आए चूंकि ये पेपर का कोर्स बहुत ज्यादा है तो आमतौर पे स्टूडेंट्स में एक फटीक फैक्टर होता है कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे तो आप अपना माइंड पहले तैयार रखना कि आपको तकरीबन 130, 130 क्लासेस लगेंगी यानी अराउंड 380 हंड्रेड एंड एट्टी आवर्स लगेंगे तीन घंटे लगेंगे इसमें आपको और इसमें हमारा पूरा फोकस जो होगा वो कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिस पर होगा ध्यान दें दो ही वर्ड बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट हमारे पूरे होंगे और प्रैक्टिस हमारी बहुत होगी यानी यह आप यहां से जब जाएंगे तो आपको ऐसा लग, लगेगा नहीं कि हमारी प्रैक्टिस में कोई कमी है हमारे यहां कोई ए बी सी एनालिसिस नहीं होता है आपको बताया जाएगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे इसका मतलब यह कि मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट एक बड़ा चैप्टर है उतना इंपॉर्टेंट एक छोटा चैप्टर भी है क्योंकि हम एबीसी के एंगल से नहीं चलेंगे इसका आपको फायदा भी होगा पिछले दो अटेम्प्ट से अगर आपको मालूम हो तो सी ए फाइनल एफ आर का पेपर जो है बड़ा ही विचित्र पूछा जा रहा है यानी किसी भी प्रकार का एबीसी एनालिसिस उसमें काम नहीं कर रहा है तो आप अच्छी तरह समझ लें कि आपको इस पेपर में अच्छे प्रकार से नंबर लाने हैं यह बड़ा पेपर है अपने माइंड को तैयार रखो कि यस वी हैव टू गेन नॉलेज ताकि हम हमारा बेस भी बन सके और ऑफ कोर्स बाकी पेपर्स में भी इसकी सहायता हो सके इसको करने के लिए आपको अपने पास जो बुक्स दी जा रही हैं वो ये बुक्स दी जा रही हैं आपको अभी प्रॉब्लम नहीं मिली होंगी आ, हमारे यहां से रवाना अभी कल या परसों में हुई है तो आप में से कुछ एक को हो सकता है जो नजदीक रहते हो उनको मेरी बुक्स मिल गई हो तो हमारे पास ये बुक्स मिलेंगे आपको जिसके अंदर तीन बुक्स हैं हमारे पास तीन बुक्स कौन कौन सी हैं थ्री फोर्टी टू ए बी एंड सी इसके अंदर हमारे सारे के सारे स्टडी <coughs> मटेरियल जो नया इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है सारा का सारा नया स्टडी मटेरियल कवर्ड है हंड्रेड परसेंट हमने एबीसी एनालिसिस नहीं करते हैं तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन हटा दें और बड़े बड़े रख लें या जो जो क्वेश्चन में बच्चा उलझता है वो हटा दें और नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रख के बच्चा कहे कि हाँ हो गया हो गया ऐसा नहीं होगा हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन होंगे सभी एम के आर के पास्ट एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं कहा से कवर्ड है 2016 से कवर्ड है 2016 से इसका हमारे यहां पर ऐसा नहीं है कि हम पिछले क्वेश्चंस को हटा दें। आप अच्छी तरह पढ़ने आए हैं मैं ये मानता हूं कि जो मुझसे पढ़ने आए हैं वो अच्छी तरह से पढ़ने आए हैं तो हमारे यहां पर एक्सटेंसिव कवरेज ही की जाएगी इसके अंदर हमने एक छोटा सा काम यह किया है कि हमने इसमें से जो क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चन और नए पैटर्न की स्टडीज को हमने इसमें अलग से कंपाइल कर दिया है यानी कि आपका लेटेस्ट पैटर्न को समझने के लिए आपके पास ये प्रैक्टिस ये भी करनी है ये भी करनी है बट ये लेटेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं जो मैंने कहा पिछले दो वर्षों से नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए हमने एक नए पैटर्न की भी बुक बनाई है कि भाई केस स्टडीज के अंदर क्या क्या क्वेश्चन हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस बार के एमटी इसमें आरटीपी में, में ना ये कह दिया कि हम केस स्टडीज जो पूछेंगे वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होंगी एमसीक्यू में केस स्टडीज आएंगी तो कुछ डिफरेंट प्रकार की आएंगी तो हम उन्होंने दो या तीन सैंपल केस स्टडीज दी उन पर बेस्ड हमने तीस पैंतीस केस स्टडीज बनाकर इसमें डाल दिए हैं इसका मतलब ये नए पैटर्न के एंगल से है ठीक है तो हमारे यहां पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा और ये मैं मानता हूं कि मेरे पास अगर आप आए हैं तो आप मेहनत करने के नजर से आए हैं यानी कि आपको मेरे साथ एफर्ट करके अच्छे नंबर लेकर आना है इसके अलावा एक और बुक जो आपको दी जा रही है वो हमारी समरी बुक है दिस इज दी बुक तो देखिए थोड़ी ज्यादा मोटी नहीं है ये बुक बेसिकली थोड़ी सी तकरीबन 400 पन्नों की किताब है यह समरी बुक है और यह समरी सारे के सारे एंड की आपके फुल कोर्स की समरी है और यह आपको आई में भी हेल्प करेगी ओके इसका मतलब इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाल रखे हैं बट अदरवाइज ये मोर लेस जो है यह कॉन्सेप्ट की बुक है आप इसे कॉन्सेप्ट बुक बोल सकते हैं आप इसे हैंड रिटन बुक बोल सकते हैं आप इसे समरी बुक बोल सकते हैं यह बुक भी आपका हंड्रेड परसेंट कोर्स कवर करेगी ओके तो ये किताबें हैं जो मुख्य रूप में आपने करनी है इसके अलावा आपको दो चीजें आपके बंडल में और मिल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं एक तो है टेक्स्ट ऑफ इंडियस ये टेक्स्ट ऑफ इंडिया बेसिकली आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बट ये रेफरेंस मटेरियल है और हां इसको भी आईबीएस के अंदर यूज कर सकते हो आईबीएस ओपन बुक एग्जामिनेशन है अगर आप इसको ले जाएंगे तो इसमें सारा हंड्रेड परसेंट वर्ड बाय वर्ड एंड ए एस है तो अगर आपने एंड एस पहले अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आईबीएस के पेपर में अगर का पार्ट का क्वेश्चन आता है तो आप झट से रेफर कर लोगे कि, कि किस पैरा में क्या लिखा हुआ है उस पर बेस्ड आप एग्जाम में इसकी सपोर्ट ले सकते हो तो ये आपने कोई करनी नहीं है लेकिन अफकोर्स अपने बेड के बगल में रख देना रात को जब नींद ना आ रही हो तो इसको थोड़ा सा खोल लेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी ओके इसके अलावा एक रजिस्टर जो हमेशा हम देते रहे आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे इंटर में भी पढ़े होंगे तो हम रजिस्टर भी एक देते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए इस बार के रजिस्टर में हमने कलर भी चेंज कर दिया है हमने कौन सा कलर कर दिया है हमने वही कलर कर दिया है जो इंस्टीट्यूट के आंसर बुक का कलर है हमने कलर भी चेंज कर दिया है बिल्कुल आप अगर अंदर से चेक करेंगे तो इंस्टीट्यूट की ही जो कॉपीज होती हैं जिन पर आप पेपर लिखते हैं ये वही कॉपीज हैं दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेस कि पांच नंबर में कितना आंसर लिखना है बीस नंबर में कितना लिखना है यानी जोन से भी सवाल करने हैं, उसके अंदर कितना मार्क लिखना है ऐसी आपको आंसर बुक मिलेगी इंस्टीट्यूट के अंदर विद द सेम कलर विद द सेम डिजाइन तो आप अल्टीमेटली इस रजिस्टर का भी भरपूर फायदा एज अ सैंपल पेपर कर सकते हो हाँ, अनूप रजिस्टर खत्म हो जाएगा तो बेटा आप और भी ले सकते हैं हालांकि मोटा मोटा अगर आप एक से भी प्रैक्टिस कर लेंगे दैट इज एनफ बाकी तो आप जहां से मर्जी करते रहे कुछ लिखते रहे कोई फर्क वाली बात इसमें नहीं है इसके अलावा ये मैं किताबों को उधर रख दू इसके अलावा हमारे पास आपका जो बैच है इसमें 130 क्लासों में तकरीबन 90 क्लासेस ऐसी होंगी जो लाइव होंगी 90 इसका मतलब लगभग 2/3 बैच जो हमारा होगा वो लाइव होगा और 1/3 बैच हमारा रिकॉर्डेड सेशंस का होगा जो 1/3 बैच है उसमें दो चैप्टर ही कराए जाएंगे बस बिजनेस कॉम्बिनेशन का और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और इसमें जो आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाई जाएंगी जो बैच हमारा अगस्त 2023 में कंप्लीट हुआ यानी 2023 का बैच पिछले साल में जो बैच था उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको दिखाई जाएंगी हमारे पास जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे उसको भी क्लास में स्ट्रीम किया जाएगा इसका मतलब यह कि आपको रोज आना क्लास मिलेगी यानी आपका डिसिप्लिन बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा यानी देखो इतने बड़े कोर्स में होता क्या है जैसे हम लोग लैग बिहाइंड कर जाते हैं छूटना शुरू हो जाते हैं तो हमें लगता है अरे बाद में करते हैं देखते हैं बैकलॉग ज्यादा हो गया आप कैसे करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा रोज आना आपके पास संडे को क्लास नहीं होगी आपकी एक क्लास होगी रोज सुबह क्लास होगी मैं लाइव नहीं भी होगा तो स्ट्रीम हो रही होगी क्लास रिकॉर्डेड क्लास भी स्ट्रीम होगी आपने उन क्लासेस को रोज अटेंड करके आपने होमवर्क कंप्लीट करना है बड़े पेपर को डील करने का यह तरीका है उसको डील करने का तरीका यह नहीं है कि हम एबीसी में चले जाएं। उसको डील करने का तरीका है कि आपको देखो इस पेपर में अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपको दिक्कत होने वाली है इसका मतलब यह आपको पेपर की तैयारी करते वक्त थोड़ा चुभे चुभेगा कि यार बहुत सारा कोर्स है लेकिन आप एट दी एंड आप पाएंगे कि यस दैट वाज द राइट अप्रोच सभी रैंक होल्डर्स इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए जो बच्चे को लगता है लास्ट मिनट रिवीजन क्या होगी हमारे पास सभी रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पर अभी भी हैं आपके बैच के अंदर भी रिवीजन वीडियोस रहेंगे जो आपकी ये बुक है हैंड रिटन नोट्स की ये आपकी लास्ट मिनट रिवीजन में आपकी पूरी मदद करेगी ओके हम आपके साथ जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग के टाइम पर लेंगे बट कभी कभी हमारी क्लास इवनिंग में भी हो सकती है देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर वन मंथ और सो मैं आपकी क्लासेस इवनिंग के टाइम पर लूं और इवनिंग का टाइम जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इवनिंग का टाइम कब है कब से शुरू होगा वो आपको जानकारी दे देंगे ओके हर टॉपिक का टेस्ट होगा जो आपके एलएमएस पर है जहां आप क्लास देख रहे हैं जहां से लॉग इन आपने किया क्लास के लिए वहीं पर जाकर के आप देखेंगे तो अगल बगल में आपको सारे टेस्ट की ऑप्शंस मिल जाएंगी एक आपको क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है क्विक स्टार्ट गाइड में सब लिखा हुआ है कि आपने टेस्ट कैसे देने हैं सभी चैप्टर्स के टेस्ट अवेलेबल हैं। आपने सभी चैप्टर्स के टेस्ट देने हैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू के भी टेस्ट अवेलेबल हैं वो भी आपने देने हैं इसका मतलब ये कि आपको अपने पास सभी टेस्ट देने जरूरी हैं ओके हालांकि आप नहीं देंगे टेस्ट तो मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन मैं बस आपको बार बार कहता रहूंगा कि आपको जरूर टेस्ट देने चाहिए <coughs> हमारी क्लासेस जो होंगी वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी यानी यहां आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगवाया जाएगा आपकी मदद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप 342 का बनाया गया है, 342 सीरीज का बनाया गया है तो उसके तकरीबन तीन चार ग्रुप से, तो उनमें से कुछ बच्चे किसी एक ग्रुप में हैं, कुछ बच्चे किसी और ग्रुप में हैं, तो आप उसके अंदर आ, अगर किसी ग्रुप में नहीं है अभी तक तो आप भेज देंगे तो हम अपने पास आपको उस ग्रुप में एड कराना शुरू कर देंगे ओके कि अभी हमारे पास व्हाट्सएप क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं बट स्टिल हम बहुत जल्द उनको उन स्टूडेंट्स को भी व्हाट्सएप में ऐड करते रहेंगे उनको हम लिंक भेज देंगे तो वो बच्चे भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे मीन वाइल आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ सकते हैं उन सबके लिंक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं यानी इसी बुक के लास्ट में इन सबके लिंक्स दिए गए हैं फिर भी अगर कोई दिक्कत हो क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं यहाँ लिंक एक आधे चैनल का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कहीं ना कहीं शायद ठीक से उस ग्रुप को ना ढूंढ पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरा फोन नंबर है नाइन आप मुझे यहां पर अपने पास मैसेज कर सकते हैं और प्रेफरेंस प्रेफरेंस इसी की करें कि मैसेज देना है तो ऑफकोर्स मुझे कन्वीनियंस रहेगा और आपको भी कन्वीनियंस रहेगा ठीक है तो आप शुरू करते हैं अपने पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफ आर आपके सी ए फाइनल का जिसे मैं मानता हूं सबसे लंबा पेपर <coughs> सबसे पहला भी यही है ग्रुप वन का जिसके अंदर प्राइमरीली जो कंटेंट है जो आप पढ़कर आए थे इंटरमीडिएट में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था सीए फाइनल में ये एंड ए एस बेस्ड है यानी आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इन क्लासेस में कवर करेंगे ये प्राइमरीली क्या है ये प्राइमरीली आपके इंड एस है तो आपका पहला सवाल ये उठता है कि सर व्हाट आर एएस? ये इंड एएस किन पर अप्लाई होते हैं इंड एएस और एएस एस में क्या अंतर है क्यों आए हैं हमारे पास इंड एएस? ऐसी क्या कमी थी एस के अंदर क्या इंड एएस अभी और भी बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं ये बड़े सारे आपके मन में क्वेश्चंस उठ जाते हैं इन सब क्वेश्चंस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर बना रखा है जिसका नाम है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ तो आज हम आपके साथ एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुझे यह मालूम है आप लोगों के पास बहुतों के पास किताबें अभी नहीं पहुंची है तो इस वजह से आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट वो भी और दो तीन दिन में पहुंच जानी चाहिए और पॉसिबली वो दो तीन दिन के अंदर आपके पास जब किताबें होंगी तो आपको तब होमवर्क वगैरह सब चीजें भी मिल सकती हैं। तो अभी मैं एक छोटे से टॉपिक के साथ आपकी बस क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ओके आर यू रेडी फॉर इट तो चैप्टर का नाम है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एनडीएस। <coughs> सभी बच्चे पहले बात को समझेंगे ठीक है ना <coughs> बात को समझना ही जरूरी है सीधी सीधी बात है रट नहीं पाएंगे समझना ही पड़ेगा तो बात कहां से शुरू होती है बात शुरू होती है बहुत पुरानी 1970 से बात कहां से शुरू होती है 1970 से जिसमें क्या हुआ जिसमें एक घटना घटित हुई यूरोप के अंदर वो क्या था यूरोजोन बना वट इज यूरो जोन यूरो जोन में क्या हुआ यूरोप के बड़े सारे देश इकट्ठे हो गए और वो अभी भी बहुत सारे इकट्ठे हैं और यूरोजोन को उन्होंने बना करके क्या किया उन्होंने कहा हम सब मिलकर चलेंगे हम सब मिलकर चलेंगे क्या ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है किसी भी एरिया की ग्रोथ करने के लिए भी आपस में लड़ेंगे नहीं हम मिलकर चलेंगे तो जब उन्होंने कहा मिलकर चलेंगे तो उसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे उन्होंने कहा हमारी करेंसी कौन सी हो जाएगी यूरो इसका मतलब यूरोप के अंदर कौन सी करेंसी हो गई यूरो की करेंसी हो गई साथ में उन्होंने कह दिया कि हम अपने पास ऑफ़ कोर्स बड़े सारे और इकोनॉमिक पॉइंट्स भी थे कि हम फ्री ट्रेड करेंगे हमारा आना जाना इजी हो जाएगा ये नहीं कि हमारे यहां पर बिजनेसेस के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगी कई चीजें रखी उन्हीं में उन्होंने कहा कि हम अपने पास जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो स्टैंडर्डाइज कर देंगे स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है एक जैसे कर देंगे तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने की बात किस देश में या किस एरिया में हुई जोन के अंदर इसकी चर्चा पहली बार हुई 1970 में कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ऐसा होगा उसके पीछे एक और भी कारण था वो था क्रॉस बॉर्डर कैपिटल का फ्लो भाई वो कैपिटल बार बार आती जाती रहती है तो उस कारण से भी ऐसा था ये हमारा सबसे पहली घटना घटित हुई इसी घटना का रिजल्ट यह था कि एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ध्यान देना बोर्ड नहीं बोला मैंने क्या बोला कमेटी आप में से कुछ बच्चों को यह पता होगा कि एक बोर्ड है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पर मैंने किसका नाम लिखा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का नाम लिखा है जिसको ये काम दिया गया टू मेक स्टैंडर्ड्स क्या काम दिया गया कि आपने स्टैंडर्ड्स बनाने हैं और इस संस्था ने स्टैंडर्ड्स बनाने भी शुरू कर दिए जिनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फिर टू ऐसे करके सीरीज स्टार्ट हो गई क्या आपको पता चला कि आई जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस कमेटी ने दिए और इस कमेटी के इस गठन के बाद इसमें आई आने शुरू हो गए ये जो आई थे ये रिकमेंडेटरी थे रिकमेंडेटरी का मतलब क्या है ये रिकमेंडेड थे का क्या मतलब है कि यानी ये फॉलो करने जरूरी नहीं थे फॉलो करना है तो करो नहीं करना है तो कोई बात नहीं इनको देखा देखी क्योंकि इंडिया भी साथ साथ में मैं डिस्कस करता रहूंगा 1981 में इंडिया में भी यह घटना घटित हुई हमारा इंस्टीट्यूट इसको अब्जर्व कर रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इंडिया ने भी अपने यहां पर आईसीएआई में एक कमेटी बना दी जिसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो क्या इंडिया में भी हम लोग इंटरनेशनल जो हो रहा है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी बेशक 11 साल लगे पर हमने भी अपने पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी करने शुरू किए जो कि ए एस वन टू ऐसे करके जारी करने शुरू किए और क्या हमारे भी स्टैंडर्ड रिकमेंडेटरी थे द आंसर इज यस हमारे भी स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं थे हमारे भी स्टैंडर्ड रिकमेंडेटरी थे क्या इंडिया ने जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे को कॉपी किया The answer is no. हमने उन्हें कॉपी नहीं किया हमने उनसे सीखा और अपने देश में अपने हिसाब से इन्हें बनाने का प्रयास किया तो मुझे बताइए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई एस जैसे हैं द आंसर इज नो ये इनकी शुरुआत ही अलग ढंग से हुई है ये अलग ही चीज बनाने का कॉन्सेप्ट आ गया चलो चलते गए चलते गए एक और घटना घटित हुई 1983 में 1983 में एक और घटना घटित हुई अब क्या हुआ एक संस्था बनाई गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन आई ऑस्को यह उसका शॉर्ट में नाम है 1983 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी आई ऑस्को जिसके मेंबर्स कौन थे जिसके मेंबर्स थे जैसे हमारे देश का सेबी यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया ध्यान दें इसमें मैं और आप मेंबर नहीं है इसमें कौन मेंबर है जो रेगुलेटर्स हैं उनका एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया इसका मतलब जो सिक्योरिटीज कमीशन है ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है तो यानी जो भी ये कमीशन है जैसे इंडिया का सेबी अमेरिका का एससीसी, इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था आईओस्को ये कब बनी 1983 आप इसे गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा जिसका मेन काम क्या होता है क्या इसका मेन काम कैपिटल को लेकर के है भाई कैपिटल में स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको लेकर के कोई फ्रॉड ना हो कोई स्कैम ना हो इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो यह सबके काम है इसको यह लगना शुरू हुआ कि भाई ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए इसका मतलब उनका कहना था इंटरनेशनली पहले कहां की बात थी पहले यूरोप की बात थी अब हम बोल रहे हैं इंटरनेशनली सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इसका मतलब सबके जो मेंबर देश हैं, वो सब में क्या होने चाहिए एक जैसे स्टैंडर्ड होने चाहिए ऐसा 1983 में थ्री में बना और उसके चार्टर में यह बता दिया गया कि हमारा यह ऑब्जेक्टिव है क्या इंडिया भी उसका मेंबर है? The answer is yes. इंडिया भी भी उसका उसका मेंबर मेंबर है? है। तो क्या इंडिया पर भी ड्यू टू आईओस को यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अपने देश में अपने ए एस छोड़ो और कौन से ए एस लेकर आओ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेकर आओ ऐसा हमारे उस चार्टर में कह दिया गया तो क्या इंडिया अब इसके बाद से थोड़ा सा दबाव में आ गया कि हाँ भाई मेरे को ये चीजें लानी पड़ेंगी बट चिंता की कोई बात नहीं अभी तो सिर्फ चार्टर में लिखा हुआ था इस पर बेस्ड आगे वर्ष 2000 में क्योंकि इसके चार्टर में लिखा है कुछ हुआ नहीं है अभी वर्ष 2000 में एक मेजर घटना घटित हुई वो क्या घटना घटित हुई जो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी इसका पुनर्निर्माण किया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को रीस्ट्रक्चर किया गया और इसे क्या बना दिया गया बोर्ड बना दिया गया तो मुझे बताओ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसका पुराना नाम क्या था उसका पुराना नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी मुझे यह बताओ जो कमेटी थी वो कौन से स्टैंडर्ड इशू करती थी वो आईएएस इशू करती थी यहां बोर्ड बना दिया गया क्या बोर्ड में वर्ल्ड वाइड मेंबर्स जोड़े गए <coughs> वर्ल्ड वाइड मेंबर्स जोड़े गए कोर्स वर्ल्ड वाइड के मेंबर्स के अंदर इनका एक बोर्ड है बोर्ड एक टॉप मेंबर्स के साथ का, काम करता है उसके बाद आगे जनरल मेंबर्स होते हैं ऐसे करके उन्होंने एक बोर्ड बना दिया इस बोर्ड ने जिम्मा उठाया कि मैं अपने पास इश्यू करूंगा आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो हमारे पास आई एफ आर एस कहां से शुरू हुए आई एफ आर एस यहां से शुरू हुए और यहीं से ही फिर आई एफ आर एस की एक सीरीज स्टार्ट हो गई आई एफ आर एस वन टू थ्री ऐसे करके आई एफ आर एस आने शुरू हो गए अब प्रॉब्लम ये कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपन टू आई एस आई एस इश्यू हो रखे थे इनका क्या हुआ जो ये आई एस थे इनको भी अडॉप्ट कर लिया गया तो क्या आई एस अभी भी है वन टू थ्री क्या अभी भी आई एस है द आंसर इज यस क्योंकि इनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोर्ड ने अडॉप्ट कर लिया तो मुझे बताओ क्या इंटरनेशनली आई एफ आर एस भी है और आई एस भी है ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो आई एस कहां से आए हैं ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के थे और आई एफ आर एस किसके बोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं धीरे धीरे ये जो आई एस है ये कम होते जा रहे हैं इसका मतलब क्या आई एस कम होते जा रहे हैं हाँ और आई एफ आर एस बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं क्या आई को ही हटा करके उनके बेहतर वर्जन लेकर आए जा रहे हैं द आंसर इज यस जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2024 के अंदर एक आई आया है जिसका नाम है आई एफ आर एस अट्ठारह जिसका क्या नाम है आई एफ आर एस ये आया है आप लोगों के कोर्स में नहीं है और ये किसको रिप्लेस करके आया है ये आई एस वन को रिप्लेस करके आया है क्या आप मेरी बात समझ रहे इसका मतलब क्या आई एस जो था वो हट गया और उसकी जगह क्या आ गया उसका बेटर वर्जन आ गया क्योंकि अभी ये 2024 में आया है आपके कोर्स में अभी इसका कोई बदलाव नहीं है मान लो

क्या अब उस चार्टर के लोगों को तकलीफ ज्यादा हो जाएगी भाई अल्टीमेटली हम लोगों ने भी साइन कर रखा है कि लाएंगे पर यहां तो चार्टर था अब तो उसका ढांचा बन गया अब तो चार्टर की बातों को अप्लाई करना पड़ेगा इसको देखते हुए वर्ष 2006 में इंडिया में मैं ऊपर जो बातें लिख रहा हूं वो इंडिया के लिख रहा हूं इंडिया में क्या हुआ इंडिया ने 2006 के अंदर जी ट्वेंटी क्या आपको मालूम है जी ट्वेंटी अब तो बहुत सबको पता ही होगा जी ट्वेंटी समिट अभी इंडिया में हुआ था 2023 के अंदर 2023 के अंदर जी ट्वेंटी का हमने सम्मेलन महासम्मेलन जो था हमारे यहाँ पर भारत में हुआ था वैसे ही 2006 के जो समिट था उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या बदलाव किया उन्होंने कहा हम अपने देश में आईएफआरएस और आईएस को कन्वर्ज करके लाने के लिए कटिबद्ध हैं क्या इंडिया ने यहां पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड को बता दिया कि हम भी अपने देश में आईएफआरएस और आई एस लाएंगे कैसे लाएंगे कन्वर्ज करके अब आप कहेंगे सर व्हाट इज कन्वर्ज करके लाएंगे <coughs> ये जो बोर्ड है ना इस बोर्ड ने जब यह कहा कि ये मेरे स्टैंडर्ड इंटरनेशनली अप्लाई होंगे तो सभी देशों को उसने दो चॉइसेस दी उन्होंने कहा आप इन्हें कन्वर्ज करके अपने देश में लगा सकते हो या आप इन्हें अडॉप्ट करके भी अपने देश में लगा सकते हो कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है कन्वर्ज करने का मतलब होता है मेक माइनर चेंजेस मेक फ्यू मेजर चेंजेस टू सूट योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट अपने देश के इकोनॉमिक एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करो और उन्हें अप्लाई कर दो अडोप्ट करने का क्या मतलब होता है एज इट इज अप्लाई कर दो क्या आई ए एस बी ने यह चॉइस दे रखी है देशों को कि तुम कन्वर्ज भी कर सकते हो और तुम अडॉप्ट भी कर सकते हो हाँ जैसे इंडिया ने क्या कहा हम कन्वर्ज करेंगे व्हाट डज इट मीन कि क्या हम आई एफ आर एस आई एस को एज इट इज लगा देंगे द आंसर इज नो देयर कैन बी फ्यू मेजर चेंजेस एंड ऑफ कोर्स देर कैन बी मेनी माइनर चेंजेस माइनर चेंजेस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और मेजर चेंजेस अगर मैं कहूं तो इंडिया ने भी अपने पास जब इनको अपने पास लेकर आए तो तकरीबन पांच छह ही हैं जो मेजर चेंजेस हैं बाकी हमारे स्टैंडर्ड्स आई एस और आईएफआरएस के बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन हम कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी पर हैं पाकिस्तान किस पर है पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान ये मैंने अगल बगल के पड़ोसियों का नाम लिए हैं यहां पर भी आ चुके हैं इन देशों ने कन्वर्ज नहीं किया इन्होंने क्या किया अडॉप्ट किया सर उन लोगों ने अडॉप्ट क्यों किया हम लोगों ने कन्वर्ज क्यों किया हमारा बड़ा देश है हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी हैं और व्यवस्था भी है कि अपने देश के इकोनॉमिक एनवायरमेंट को हम कंट्रोल करने के लिए बाहर से बनी हुई कोई चीज को एज इट इज अपने देश में अप्लाई ना करें क्योंकि देश बड़ा है हमारे कुछ इश्यूज हो सकते हैं उसको एज इट इज अप्लाई करने में लेकिन अब श्रीलंका और भूटान जैसे देशों में इस तरह का स्ट्रांग अकाउंटिंग बॉडीज नहीं है उस तरह की स्ट्रांग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऐसे सिक्योरिटी कमीशन नहीं है जो उसकी मदद कर सके तो उन्होंने कहा जो इंटरनेशनली कहा जाएगा हम डिटो एज इट इज उसे अप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब यह बताएं हमारी कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी है बट कुछ देशों की अडॉप्शन स्ट्रेटजी भी होती है वो अडॉप्शन स्ट्रेटजी में काम करते हैं 2006 में हमने जब यह अनाउंस किया तो साथ में ही हमने एक और भी काम किया हमने अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उन्हें मैंडेटरी कर दिया क्या ये पहले रिकमेंडेटरी थे फटाफट से बताओ क्या पहले रिकमेंडेटरी थे हाँ अब क्या कर दिया हमने उनको मैंडेटरी कर दिया तब तक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक से लेकर कहां तक आ चुके थे एक से लेके उनतीस तक आ चुके थे बीच में एक आधे गायब हो चुके थे आपको शायद मालूम ही होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गायब हो गया था छह बाद में गायब हो गया कि ऐसा ऐसा था आए तो इसके बाद वाले भी थे तीस इकतीस और बत्तीस आए तो ये भी तीन थे बट इन्हें डिलीट कर दिया गया मैंडेटरी करने से पहले ही इन्हें हटा दिया गया विदड्रॉ कर लिया गया यानी कि एक दो साल के लिए आए थे उसके बाद ये रिमूव हो गए कंट्रोवर्शियल थे इसलिए हटा दिए गए तो इसका मतलब एक से लेकर उनतीस तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए यह मैंडेटरी करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून लेकर आई जिसका नाम था कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 नाम सुना आपने कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 यही था क्या आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा था यही पढ़े थे दिस इज व्हाट यू स्टडीड इन इंटरमीडिएट आप इंटरमीडिएट में जो पढ़ते थे कंपनी ए एस रूल्स दो हजार छह वो ये वाले रूल्स पढ़ते थे अपने पास ओके और यहां पर ही क्या इंडिया ने इसे भी कन्वर्ज करने के लिए मैं कह दिया कि हम ये भी ला रहे हैं द आंसर इज यस इंडिया ने कह दिया हम इनको लेकर आ रहे हैं 2006 के बाद 2015 में इंडिया ने अपने यहां पर कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ध्यान दें पहले लिखा था कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब क्या लिखा कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 क्या हमारे पास 2015 में कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आ गए हां यह जो वर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसी से शॉर्ट में क्या बन गया इंड एस इसी के शॉर्ट में क्या बन गया इंड एस थोड़ा सा असल में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चा कहता है ये इंडियन है तो क्या ऊपर वाले जापानी है ऊपर वाले भी तो अकाउंटिंग इंडियन ही है बट असल में एक के साथ इंडियन लगाया गया और एक के साथ इंडियन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया तो जिनके साथ इंडियन वर्ड का प्रयोग किया गया उनको हमने क्या नाम दे दिया उनको नाम दे दिया हमने इंड एस जिनका बेस क्या था जिनका बेस था आई एफ आर एस एंड आई ए एस तो अल्टीमेटली क्या इंडिया में 2015 में ये स्टैंडर्ड्स आ गए इंडिया में 2015 में ये स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली अप्लाई कर दिए गए क्या ये सभी पर अप्लाई कर दिए गए जी नहीं ये अप्लाई किए गए ऑन सिलेक्टेड कंपनीज एंड एंटिटीज कंपनी के अलावा एंटिटीज में मैंने थोड़ा रुक के पॉज दिया है कि एक दो म्यूचुअल फंड है जिन पर यह अप्लाई हो रहा है लेकिन बाकी सब पर क्या अप्लाई हो रहे हैं तो मुझे बताओ क्या बाकी सब पर अभी भी यही रूल्स अप्लाई करेंगे सेम स्टिल अप्लाई अभी भी ये अप्लाई होते हैं तो क्या इंडिया में दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं यानी कंपनी ए एस रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं और एंड एस भी अप्लाई हो रहे हैं द आंसर इज यस क्या इंड ए एस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमने कन्वर्ज किया था द आंसर इज यस अब इनके अंदर जो है ना इनका बेस तो अल्टीमेटली आई एफ आर एस और आई एस ही है तो हम अपने पास इनको अगर इनका फिर भी सोर्स पढ़ेंगे तो दे आर मेजरली बेस्ड ऑन आई एस एंड आई एफ आर एस और मुझे ये बताएं क्या इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सेम है हा क्या कुछ जगहों पर बदलाव है द आंसर इज यस कुछ जगहों पर बदलाव छोटे छोटे हैं एक दो जगह बड़े बदलाव भी हैं एक दो जगह नहीं तो मैं कहूं पांच छह जगह बड़े बदलाव भी हैं तो इसका मतलब इंडिया में इंड अगर पढ़ लें तो क्या मैं कह सकता हूं हमको नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट हमको आई एफ आर एस पता चल जाते हैं इसका मतलब यह कि आपका कोर्स करने के साथ ही आप इंटरनेशनली भी रेडी हो जाते हैं कि आप अब इंटरनेशनल भी चाहें तो इसी कोर्स पर बेस्ड आप इंटरनेशनल भी अपने पास कोई बेनिफिट्स ले सकते हैं क्योंकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती क्या यह एग्जाम में कोई चीज पूछी जाएगी द आंसर इज नो इंस्टीट्यूट इनमें से कोई हिस्ट्री आपसे नहीं पूछेगा फिर ये आपके लिए क्यों रेलेवेंट है कि आपके मन को संतोष देती है कि अच्छा ये आए क्यों कैसे आए कब आए किसने लेकर आया ये सब बातें आपको हेल्प करती हैं ओके क्या ये सब बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं द आंसर इज यस ये सब बातें हमारी किताब में <coughs> लिखी हुई है रिद्धि कह रहे हैं कि हमको लिखना है नहीं रिद्धि लिखना कुछ भी नहीं है आपने लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो इसी बुक के अंदर आप एडिशनल नोट कर सकते हैं आप अपने रजिस्टर में भी नोट कर सकते हैं मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है ये यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है here, तो मैं एक बार अब इसको भी आपको रीड करवाना चाहूंगा करवा दिया जाए एक बार रीड्स अभिजीत हमारा ये बैच मई पच्चीस को टारगेट करके बनाया हुआ है आ, मेरे को तो बहुत बड़ा कर दिया भाई आपने हाँ बस ठीक है ये बुक है जरा सारे के सारे बच्चे मेरे साथ साथ देखते जाएंगे तो 1970 के अंदर 1970 के अंदर हमारे पास जो यूरोप था इन सब ने मिलकर के क्या किया एक यूरोजोन बनाई जिसका कॉमन करेंसी क्या थी यूरो थी जिसका गोल क्या था फाइनेंशियल <coughs> रिपोर्टिंग <Financial reporting> थी <coughs> इसके अंदर ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का गठन हुआ जो कि आईएससी बनी आईएससी ने अपने पास आई एस वन टू थ्री जारी किए जो शुरुआत में क्या थे रिकमेंडेटरी थे 1981 के अंदर हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना हुई जो कि आईसीआई का है <coughs> इसने अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करने शुरू किए जो कि रिकमेंडेटरी थे 1983 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन यानी आयास को बना जिसका इंडिया भी मेंबर है और इसके अंदर मैंडेटरी कर, कर दिया गया इसके चार्टर में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को केस पर बेस्ड होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर कॉमन स्टैंडर्ड पर बेस्ड होना चाहिए वर्ष 2000 में <coughs> वर्ष 2000 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कमेटी थी उसको क्या बना दिया गया बोर्ड बना दिया गया ये रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कमेटी इसने आईएफआरएस जारी करने शुरू कर दिए इसने अडॉप्ट कर लिया अपने पास आई नई सीरीज बना दी गई आई की और अब ये दोनों ही अल्टीमेटली कंट्रोल ऑफ आई एस है 2006 में इंडिया ने अपने आप को कमिट कर लिया कि G20 समिट के अंदर वो अपने पास क्या करेगा कन्वर्जेंस के साथ वो इंडिया में अपने पास आईएफआरएस लेकर आएगा यानी कुछ माइनर चेंजेस करेगा अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से एमसीए ने कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 जो एएस वाले थे जो मैंडेटरी कर दिए थे वो यहाँ मैंडेटरी कर दिए और ये ए एस से लेकर उनतीस तक के स्टैंडर्ड भी आ गए 2015 में एम ने कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 जारी कर दिए इन्हीं को आजकल हम इन बोलते हैं ये फ्यू कंपनीज पर अप्लाई होते हैं ये ऑडिटर पर भी अप्लाई होते हैं फिर बारी आती है एक और क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास इन एस या आई में एक्चुअल में है क्या ये अगला क्वेश्चन आता है ये हिस्टोरिकल तो हमने चर्चा कर ली मुझे दिखा दो फीचर्स ऑफ एनडीएस एंड आई एफ आर एस ये क्या है इसको समझे जरा देखो जो हमारे एनडीएस हैं इनमें कोई आपसे पूछ ले कल को कहीं खड़े हो कोई पूछ ले भाई साहब एनडीएस में है क्या या आपके मन में भी अभी तो ये सवाल आ ही रहे ना कि एनडीएस में एग्जैक्टली exactly है क्या तो एनडीएस में कुछ गुण आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या है हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो नंबर वन अब आप ना प्रिंसिपल बेस्ड पढ़ोगे प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब होता है हर चीज का एक प्रिंसिपल है आप उसके मुताबिक काम करोगे रूल नहीं फॉलो करोगे प्रिंसिपल फॉलो करोगे जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए डिबेंचर्स क्या है तो आप क्या आंसर देंगे मुझको कि एक लाइबिलिटी है डिबेंचर्स आर लाइबिलिटी पर ये स्टैंडर्ड कहता है नहीं 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 नहीं, डिबेंचर्स लाइबिलिटी ये कहना गलत है चेक किया जाएगा क्या डिबेंचर्स लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करते हैं कि नहीं करते हैं अगर डिवेंचर्स ने लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं किया तो दे आर नॉट लाइबिलिटी इसका मतलब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे कि डिवेंचर्स है तो लाइबिलिटी है वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो सच रूल्स क्या मैं इसे कह सकता हूं कि अब आप रेटा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हर जगह पर हम जब उसे जीरो से सोचेंगे तो हो सकता है हम उसकी डेफिनेशन को बनाएं पहले कि इसकी एक ये डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट ये होना चाहिए तो अभी तक आप क्या करते थे इस आइटम का ये ट्रीटमेंट है अब हम आइटम की बात नहीं करेंगे हम उस आइटम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आइटम एक्चुअल में एस्प पर डेफिनेशन किसमें क्लासिफाई होनी चाहिए और उसके हिसाब से हम अपने रूल्स लगाएंगे अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दिस इज वन मेजर चेंज तो आप जगह जगह पर इसी वजह से अचानक झटका खाएंगे जैसे मैंने अभी भी बोला कि आर नॉट इन फ्यू केसेस तो आपको सुनकर झटका लग सकता है कि हमने बचपन से आज तक डिबेंचर्स को लाइबिलिटी बोला आज सुबह सुबह ये कह रहे हैं कि डिबेंचर्स आर नॉट लाइबिलिटी तो फॉर फ्यू सिचुएशंस इट इज नॉट लाइबिलिटी कि हमारे पास ये प्रिंसिपल का मेन मुख्य मुद्दा है वैसे आपको बता दूं आईएफआरएस कितने देशों में अप्लाई हो रहे हैं हमारे इस संसार में इस दुनिया में लगभग 200 देश हैं 200 हंड्रेड कंट्रीज हैं वन से शुरू हो जाते हैं कुछ लोग बोलते हैं वन नेशन से, कुछ लोग कहते हैं 220 सौ है मैंने उनको लगभग 200 बोल दिया असल में कुछ कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज है जिनको कुछ लोग देश का दर्जा देते हैं तो उनके यहां देशों की संख्या ज्यादा हो जाती है कुछ लोग उसको देश का दर्जा नहीं देते हैं जिस वजह से देशों की दर्जा नंबर कम हो जाता है लगभग आप मोटा मोटा लगा लो कितने देश हैं इस दुनिया में 200 देश 200 देशों में से 150 देश आई लगा रहे हैं यानी कि मैं कह सकता हूं 75% फाइव परसेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इज अप्लाइंग आई एफ आर एस क्या आपको बात समझ में आती है तो क्या ये आई एफ आर एस प्रिंसिपल बेस्ड है द आंसर इज यस वैसे आप एक बात बताओ क्या ये आई एफ आर एस अगर इतने देशों पे अप्लाई हो रहे हैं तो सबका एक सहमति होगी तभी तो अप्लाई हो रहे हैं भाई वही स्टैंडर्ड को मेरा देश भी कहता है हाँ मैं लगा लूंगा उसी को पाकिस्तान भी कहता है हाँ मैं लगा दूंगा उसी को बांग्लादेश भी कहता है मैं लगा दूंगा ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रूल बेस्ड नहीं है वो प्रिंसिपल बेस्ड है अगर रूल होते तो क्या देशों को दिक्कत आती कुछ कहते भाई साहब हम नहीं मानते इस बात को तो हमारे स्टैंडर्ड्स ने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया इसलिए इतने वाइड स्पेक्ट्रम में लग रहे हैं क्या आपको समझ में आ रही है सर कौन सा मुख्य देश है जहां अभी भी ये नहीं पहुंचे हैं उनमें एक ही मुख्य देश बचा हुआ है जहां अभी भी आई एफ आर एस नहीं आए वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने अपने यहां पर कह रखा है कि मैं अपने यहां पर इनको ले आऊंगा लेकिन वो अभी तक लेकर नहीं आया है वो अपने आप पर इनको कुछ चेंज करवा रहा है वो भी मेंबर है आईएसबी का तो वो उनको चेंज करवा रहा है तो अल्टीमेटली क्या अमेरिका भी हमारे इन स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि वो मेंबर कंट्री है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है जब उसको लगेगा कि ये इतने उसके देश के मुताबिक भी हो गए हैं तो प्रोबेबली उस वक्त अमेरिका में भी अप्लाई हो जाएंगे अभी उसके अंदर कोई कारण नहीं दिखाई देता है तो एक एस्पेक्ट कौन सा है <coughs> एक एस्पेक्ट है हमारे पास कि ये प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स है ये रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है आर नॉट रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स इसके अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है जजमेंट जगह जगह लगानी पड़ती है और हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का पालन करते हैं ये दोनों पॉइंट मैंने एक साथ कवर कर दिए। ये नहीं हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हो सकता है लाइबिलिटी को लाइबिलिटी ना बोले और हम कुछ और बोल दें क्या ये सब कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है द आंसर इज यस आपकी किताब में पन्ना पलटेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है यानी आप अपने पास अगर कोई चीज ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड ऑन इसी को किताब में कर सकते हो आप ना एड ऑन करना चाहें तो अपने रजिस्टर के अंदर भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में एड कर सकते हो एक और बात है हमारे स्टैंडर्ड्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा फेयर वैल्यू का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है मैं जगह जगह बोलूंगा इसे फेयर वैल्यू पर ले आओ इसे फेयर वैल्यू पर ले आओ तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि सर फेयर वैल्यू का इतना ज्यादा यूज ठीक है क्या द आंसर इज यस फेयर वैल्यू का यूज बढ़ गया है हम मानते हैं अब कि फेयर वैल्यू को बुक्स में ले आना चाहिए सर लेकिन वो तो एंटीप्रूडस हो गया हम फेयर वैल्यू लेकर आएंगे एसेट्स की तो प्रूडेंस के खिलाफ हो जाएगा वैल्यू बढ़ गई हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रूडेंस को हम प्रूडेंस फॉलो करते हैं लेकिन उसका लेवल बदल गया है हम कह सकते हो क्या हम पहले अल्ट्रा कंजर्वेटिव थे अब हम कंजर्वेटिव हैं पर हम उतने कंजर्वेटिव नहीं रहे हैं क्या आपको बात ध्यान रहेगी पहले हम बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते थे अब हम अंडा खा लेते हैं बात समझ में आ गई इसका मतलब अभी भी हम हैं वेजिटेरियन ही हैं पर अब हमने कहा कि चलो तो थोड़ा सा हो सकता है आप बोले नहीं नहीं अंडा नहीं खाते तो पेस्ट्री में अंडा खा लेते हैं ऐसे समझ लो यानी हम थोड़ा सा अब क्या कर रहे हैं थोड़े से लिबरल हुए हैं इसके अलावा डिस्क्लोजर्स पर बहुत ज्यादा जोर है हमारे स्टैंडर्ड मुझे दिखा दीजिए बोर्ड को दिखा दीजिए नेकपाल नेकपाल जी दिखाइए डिस्क्लोजर जो है ये और भी ज्यादा इलेबोरेट हो गए हैं मतलब ये कि आपको अपने पास जो डिस्क्लोजर्स हैं वो क्या करने हैं और भी ज्यादा करने हैं उनको दे दो अरुण को दे दो ना डिस्क्लोजर्स जो हैं वो और भी ज्यादा इलेबोरेट हो गए हैं ठीक है मतलब अब बहुत सारे एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं अच्छा इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई फटाफट -फड़ से बताओ इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई इंडिया ने लगाई कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी तो कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी हाँ अभी शशि बेटा शशि ने जॉब चेंज कर ली है वो इस समय भारत टीवी में है तो अभी हमारे पास नेपाल है नेकपाल तब भी थे अभी भी हैं, बट शशि जो है वो इस समय वो आते हैं अभी भी कभी कभी आते हैं अगर कहोगे तो एक दिन बुला लेंगे मिलने के लिए आ जाएंगे वो <clears throat> तो कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी बेसिकली इंडिया में है विच इज नॉट एग्जैक्टली सेम क्या हम अपने देश में एज इट इज स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं फटाफट से बताओ क्या अपने देश में हम लोग अडोप्शन करके एज इट इज फॉलो करते हैं द आंसर इज नो ऐसे चेंज मत करो ना अभी मैं दिखा रहा हूं साथ सा, दिखाइए तो अपने देश में हम लोग क्या करते हैं अडोप्शन कर रहे हैं कन्वर्ज uh, कर रहे हैं अडोप्शन में एज इट इज फॉलो करते हैं क्या कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं द आंसर इज यस इंडिया में सिग्निफिकेंट चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं बताओ कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं यानी मैं कहूं एनडीएस तथा आई एफ आर एस आई एस क्या ये डिट्टो सेम है या कुछ चेंज है फटाफट फड़ से बताओ इसमें लगभग छे चेंजेस हैं कितने चेंजेस हैं छे ये सिग्निफिकेंट बोल रहा हूं क्या माइनर चेंजेस तो बहुत सारे हैं माइनर चेंजेस तो बहुत सारे हैं उनकी गिनती अगर करें तो सौ डेढ़ सौ होंगे पर काम के चेंजेस कितने हैं पांच छह ही हैं। जैसे मैं कहूं तो हमारे जो पांच छह स्टैंडर्ड हैं, उनमें कौन कौन सा चेंज है आ, हम बोलते हैं अपने देश में कि एसिड की कॉस्ट जब पहली बार इंडियस लगाएंगे तो क्या होगी तो इंटरनेशनली कुछ और कहा जाता है हम लोगों ने कुछ और कह दिया हमने कहा नहीं नहीं हम अपनी कॉस्ट को ये बोलेंगे तो यानी एक तो आपका ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा एसेट की कॉस्ट को लेकर एक जगह पर मुद्दा आएगा एक आपका पुराना वाला स्टैंडर्ड ए एस इलेवन का पैरा फोर्टी सिक्स <coughs> <coughs> एग्जिस्ट फॉर आईसीआई के आगे क्या लिखा है आईसीआई एग्जाम्स <coughs> अच्छा मैं मैं बोल रहा हूं क्या आपको याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ते थे और उसमें एक कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ था पैराग्राफ 46 46 ए जो कहता था हम कैपिटलाइज कर देंगे एसेट के अंदर या हम कैपिटलाइज कर देंगे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे कुछ याद है आपको वो कंट्रोवर्सी वाला पैराग्राफ जो था वो यहां पर भी इंडिया ने डाल दिया इसका मतलब ये कि क्या हमारे लिए सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस के अंदर वो भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इंटरनेशनली ऐसा नहीं कहा जाता है कि हम अपने पास फॉर एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं पर क्या इंडिया में कैपिटलाइज़ अभी भी हो सकता है द आंसर इज यस इसका मतलब ये हमारे लिए मेजर डिफरेंस है मतलब हमारी बैलेंस शीट को पीएनएल को अफेक्ट करता है आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा सर मेजर डिफरेंस कौन से और माइनर कौन से माइनर से बैलेंस शीट पेनल पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेजर में फर्क पड़ेगा इसका मतलब हमारे पास मेजर डिफरेंसेस एक और भी चीज है वो भी बड़ा मशहूर है क्या आप इंटरमीडिएट में टॉपिक पढ़ते थे अमेलगमेशन तो वहां एक पॉइंट आता था कि अमेलगमेशन कैन बी इन द नेचर ऑफ परचेज शन कैन बी इन द नेचर ऑफ मर्जर डू यू रिमेंबर होता था और एक परचेज होता था इंटरनेशनली मैं जब बोलता हूं इंटरनेशनली तो क्या मतलब है इसका इंटरनेशनली मतलब आई एफ आर एस और आई एस की बात कर रहा हूं इंटरनेशनली मर्जर जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हालांकि इंटरनेशनली ये कहा जाता है आईएएसबी के द्वारा कि ये होना चाहिए उसके एजेंडा में है एजेंडा मतलब वो इस पर काम कर रहे हैं पर मर्जर अभी इंटरनेशनली नहीं है सर तो ये तो बड़ी अजीब बात है हमारे देश में तो बड़े सालों से वालों को ही पढ़ा दिया अभी तक विदेशों में वहां पर ये लाई नहीं पाए हैं और वही तो सबसे सिंपल था मर्जर ही तो सबसे सिंपल था कुछ कंट्रोवर्सीज हैं उसके अंदर जो आपने पढ़ा था वो ठीक है बट वो कंट्रोवर्सियल था इंटरनेशनली उसके ऊपर काम चल रहा है पर इंडिया ने जब अपने देश में कन्वर्जेंस करी तो उस मर्जर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या इंडिया में मेजर डिफरेंस हो गया ये उसका नाम है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन आजकल हम मर्जर को क्या बोलते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन तो हमारे इंडिया ने क्या कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेशनली इंटरनेशनली वो एजेंडा में है अभी आया नहीं है

हमारे यहां पर कितने डिफरेंसेस हैं छह डिफरेंसेस हैं किसके लिए फॉर आईसीआई एग्जाम्स ओके डिफरेंस तकरीबन सात आठ हैं लेकिन वो इंश्योरेंस के हैं वो आपके काम के नहीं है इन डिफरेंसेस को हम कार बोलते हैं या कार आउट बोलते हैं अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये थियोरिटिकल डिस्कशन आपके आपके एमसीक्यू के लिए हेल्पफुल है हा अगर आप एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आपका फायदा तभी होगा तो आपको मैं एक बात की गारंटी दूंगा गारंटी मतलब गारंटी कि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस्ड ना हो हंड्रेड परसेंट कवरेज होगी बिना कोई ऐसे कि हाँ इसको हम ये नहीं करेंगे या इसको करेंगे ओके okay. अगर मान लीजिए आप सिलेक्टेड पढ़ना की उम्मीद से आए हैं तो फिर से पुनर्विचार कर लीजिएगा अगर आपका उद्देश्य यह था कि नहीं नहीं हम फटाफट करना चाहते हैं सिलेक्टेड तो पुनर्विचार करना जरूरी है मैं फिर से आपको बता रहा हूं हमारे यहां पर पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे इसमें समय लगेगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको फायदा भी होगा इसका और आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको वहां पेपर में नया मिल जाए मुझे फटाफट फड़ से बताओ ये कार्व इन और कार्व आउट आउटर्ड क्या है अब ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो कार्व इन का मतलब होता है कि कोई नई चीज ऐड कर दी गई कोई नई चीज ऐड कर दी गई जरा मुझे फटाफट फड़ से बताना क्या हमारे देश में मर्जर यानी कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन को ऐड कर दिया गया तो ये कार्व इन है कि कार्व आउट है फटाफट फड़ से बताओ ये कार्व इन है और जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ लिखा था हमने उसे काट करके छोटा कर दिया है तो ये क्या कर दिया हमने इसे हमने कार्व आउट कर दिया ओके तो इसका मतलब जो बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं वो क्या है कार्विन और कार्व आउट है कितने हैं टोटल कार्विन कार्व आउट कितने हैं टोटल छे हैं ये आपने पढ़ने हैं ओके ये क्लासेस के दौरान कवर होते जाएंगे ओके क्या कोई इन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं हाँ तो मैंने एक बार गिने थे तकरीबन डेढ़ सौ तक तो मैं पहुंचा था बड़ी लंबी लिस्ट बन रही थी इसका मतलब ये बहुत सारे हैं मजे की बात है ये डिफरेंसेस इतने काम के नहीं है इसमें क्या क्या है जैसे हमने नाम बदल दिए अब एक बात बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन को हमने बैलेंस शीट बोलना शुरू कर दिया इससे कोई फर्क पड़ जाएगा भाई हर जगह लिखा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंटरनेशनली हमने कह दिया बैलेंस शीट हर जगह तो इससे कोई फर्क पड़ जाएगा कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब सिर्फ नाम का है है बात वही है। बट चेंज तो ये भी है यह माइनर चेंज की परिभाषा में आता है अच्छा हमारे आई एफ आर एस में बड़े सारे ऑल्टरनेटिव दिए होते हैं कि आप ए भी कर सकते हैं बी भी कर सकते हैं सी भी कर सकते हैं तो मुझे फटाफट फड़ से बताओ आई एफ आर एस हमें क्या कह रहे हैं आप ए भी कर सकते हो बी भी कर सकते हो सी भी कर सकते हो ऑल ओके okay. कोई गलत नहीं है इंडिया ने जब लिखा इंडिया तो उसने कह दिया आप ए कर सकते हैं बी कर सकते हैं सी हटा दिया क्या इंडिया वाले अगर ए या बी लिखते हैं तो कोई कंपनी अगर ए या बी को फॉलो करती है तो क्या ये आई एफ आर एस में भी लिखे हुए हैं फटा फटाफट से बताओ क्या ये आई एफ आर एस में भी लिखे हुए हैं लिखे तो हुए सी हटा देने से कोई बदल थोड़ी ना गया आई एफ आर एस आर यू अंडरस्टैंडिंग भाई आपको अगर एबीसी में से इंडिया ने सी को रिमूव कर दिया तो आपके पास तब भी एबी तो आई एफ आर एस का ही है ना इसका मतलब हमारे इंडिया ने बड़े सारे ऑल्टरनेटिव को रिमूव किया जैसे दो ऑल्टरनेटिव थे एक को हटा दिया अमरीक कह रहे हैं अर, कह रहे हैं कि सर ये कारवाउट नहीं हुआ क्या नहीं कारवाउट का मतलब है कोई ऐसा चेंज जो, जो स्टैंडर्ड से ही कॉन्सेप्ट को बदल दे ये वो नहीं हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड में ए भी लिखा था बी भी, भी लिखा था और मैंने कहा तुम्हें ए ही फॉलो करना है तो जो ए था क्या वो स्टैंडर्ड से डिफरेंट हुआ द आंसर इज नो क्योंकि ए भी तो उसी का ही था देर फॉर ये कार्वाउट नहीं कहलाएगा बात समझ में आती है अर्निक तो आपको अपने पास समझना है कि वो पांच ही है मैंने बताया ना छे है। इसके अलावा और कोई नहीं है बाकी सब ये फालतू फंड के हैं इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है हम इंडियन एनवायरमेंट के हिसाब से करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब अप्लाई होगा तो हम ऐसे ऐसे इन रूल्स के हिसाब से अप्लाई करेंगे हम इसको मानते हैं क्योंकि ये ये परसिस्टेंटली फॉलो नहीं नहीं करेगा अफेक्ट कर रहा है ओके okay? ये फर्स्ट टाइम पे पक्का अफेक्ट करेगा फर्स्ट टाइम हम चेंज करते हैं अप्लाई करते हैं एनडीएस तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हम इंटरनेशनल तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे हम किसी और तरीके से करेंगे तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट बट दिस इज ओनली वन टाइम देयर फोर इसको माइनर माना जाता है ओके कि सिर्फ वन टाइम है बार बार तो कंपनी कर नहीं पाएगी फर्स्ट टाइम अप्लाई एक ही बार होगा तो पहली बार कुछ नहीं है वो टेम्परे होने की वजह से उसको क्या कर दिया जाता है माइनर मान लिया जाता है खुशी क्लास का टाइम साढ़े नौ बजे तक है <coughs> तो मुझे ये बताइए क्या आपको पता चल गया इंडिया की कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी ये है आगे चलेंगे <coughs> अब बारी आती है कि एप्लीकेशन ऑफ एन डी एस बी सी क्या है लिखा यहां पर भी सब कुछ हुआ है फिर भी जो बोर्ड पर लिखा है क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं जो बोर्ड पर लिखा है तो हम अपने पास बहुत सारी चीजें बोर्ड वाली भी सेव करेंगे प्रैक्टिकल सवाल सारे के सारे बोर्ड पर ही हो रहे होंगे तो इसका मतलब क्या बोर्ड भी आपको चाहिए मैंने इस समय बोर्ड की फोटो खींच ली है ठीक है तो मैं जब यहां गया था तो हमारे पास यहां एक प्री सेट टेम्पलेट है उसके अंदर हम जाते हैं और वो मोबाइल मोबाइल से फोटो खींच जाती है ये फोटो भी आपके एल पर आ जाएगी जब क्लास खत्म होगी तो ये फोटो भी आ जाएगी ओके आप में से जो इंटरमीडिएट पढ़े हैं आपको सब ये मालूम है आप इंटर में लिखा थ, लिखाते थे वैसे नहीं होगा हाँ अनुराग ये वाला इंटरमीडिएट में भी बोर्ड पर ऐसे ही था अभी भी वैसे ही है बोर्ड घूमता है अभी भी घूमता है बट हमने थोड़ा चेंजेस किए हैं बोर्ड अभी भी घूमता है बट हमने इसको कलर करने का प्रयास किया है ओके तो आप देखें थोड़ी से हमने चेंजेस किए हैं इसके अंदर ठीक है तो हमने अब अपने पास कर दिया कि अब आप इसको कलर यूज कर सकते हो सर सी कहा गया उसमें मर्ज हो गया था या हटा दिया आयुष ने पूछा है कि वो ए बीसी में से जो सी था फिर वो कहां गया वो हटा दिया हमने इंडिया में सी एग्जिस्ट नहीं करेगा बट ये सी तो मेरा एग्जाम्पल थानी देर आर सर्टन ऑप्शन कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं इंडिया ने एक ऑप्शन को रिमूव कर दिया ओके दिस इज हैपनिंग लाइक दिस आगे चलेंगे अब सब बच्चे हम अपने पास कुछ और बातें डिस्कस करेंगे क्या फिर से एक टाइमलाइन बना रहा हूं मैं <coughs> फिर से एक टाइमलाइन बना रहा हूं कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 वैसे क्या इनमें अमेंडमेंट्स भी आती रहती है द आंसर इज यस क्या इन रूल्स ने मैंडेट कर दिए थे <coughs> कि हां हम हाँ, अपने पास इंडियस ले आएंगे हाँ तो कैसे मेंडेट किए थे अब हम ये जानना चाहते हैं तैयार हैं आप एक चार पंद्रह वो डेट है जहां से स्टार्ट हो गया वॉलेंटरी एप्लीकेशन ऑफ इंडियस मुझे फटाफट से बताओ अगर कोई भी अपने पास <coughs> हाँ श्री राम पूछ रहे हैं क्या हम रिवीजन क्लासेस एलएमएस पर भी देख सकते हैं हाँ श्री राम रिविजन क्लासेज एल पर भी होती हैं यूट्यूब पर भी होती हैं जैसे पिछले बैच की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर भी हैं आप वहां से भी देख सकते हैं यहां भी आपकी भी जो रिवीजन सेशंस होंगे वो जैसे जैसे होते जाएंगे उसमें आते जाएंगे ओके आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं एल पर भी देख सकते हैं अब आप इधर आ जाएंगे ठीक है <coughs> ये टॉपिक जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन है नहीं नहीं तनिशा अभी यही चल रहा है आज हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? मुझे ये बताओ कौन सी वो डेट डेट है जिस से हमारे -एस कोई भी अप्लाई कर सकता है मैं जब कोई भी बोलता हूं तो मेरा ध्यान किसका है सिर्फ कंपनी के प्रति है क्या मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं फटाफट -फड़ से बताइए क्या मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं हाँ तो कोई भी कंपनी किस डेट से अपने पास वॉलेंटरी इंडियस लगा सकती है एक चार 2015 से इसका मतलब एक चार 2015 से तो आज भी कोई कंपनी जिस पर इंडियस नहीं लगे हुए हैं क्या आज भी वॉलेंटरी एप्लीकेशन कर सकती है तो डोंट से कि सर वो तो चॉइस 2015 में थी नहीं कभी भी करो 2015 के बाद से एक अप्रैल 2015 से ये चॉइस मिल गई कि आप अपने पास इस स्टैंडर्ड्स को लगा सकते हैं ध्यान देना एक बार लग गया तो आप हटा नहीं सकते कांट रिवोक ओ अगर एक बार आपने एन एस लगा दिया तो फिर आप इसको हटा नहीं सकेंगे एक बार तुमने इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को दे दिए तो आप इसको दोबारा रिवोक नहीं कर सकते इसलिए सोच समझकर जाना अपने क्लाइंट को राय ठीक से देना पहले पढ़ लो सारे स्टैंडर्ड तुम्हें लगे कि तुम्हारे क्लाइंट के लगा पाएगा तभी उसको वॉलेंट्री एप्लीकेशन कराना जबरदस्ती मत करना अच्छा नंबर दो अनूप दो मिनट रुकना जब आप अपने पास एंड एस लगाएंगे जब आप एंड एस लगाएंगे तो डोंट अप्लाई एस यानी कि क्या आप अपने पास दोनों का मिक्सचर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अनूप ओके जब आप एंड एस लगाएंगे तो ए एस लगाने क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे यानी इसका काम पूर्ण विराम और आप वापस भी नहीं आ सकते ये वो गुफा है जिसके भीतर घुस गए तो वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं होल्डिंग कंपनी विद सब्सिडरी क्या आपको मालूम है इंटरमीडिएट में पढ़ते थे होल्डिंग कंपनी विद सब्सिडरी तो क्या आपको अपने पास दोनों पर लगाने पड़ेंगे स्टैंडर्ड्स फटाफट से बताओ दोनों पर आपको इंडेस लगाने पड़ेंगे द आंसर इज यस दोनों पर लगाने पड़ेंगे यू कान से कि मैं खाली सेपरेट पे लगाऊंगा इस पे नहीं लगाऊंगा लगेंगे तो दोनों पर लगेंगे फुल फैमिली पर अप्लाई होंगे व्हाट इज फुल फैमिली इसका मतलब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी एक्स ने अप्लाई कर दिए इंडियस वॉलेंटरी अप्लाई कर दिए तो जो इसकी सब्सिडरी है क्या उसे भी अप्लाई करने पड़ेंगे इंडियस फटाफट फड़ से बताओ अगर मान लो एक कंपनी ने कहा मैं इंडियस लगाऊंगी तो क्या उसकी सब्सिडरी को भी लगाने पड़ेंगे द आंसर इज यस क्या उसको अपने पास जो उसके एसोसिएट्स हैं क्या उन्हें भी अप्लाई करने पड़ेंगे <coughs> फटाफट फड़ से बताओ क्या जो हमारे एसोसिएट्स हैं उन्हें भी अप्लाई करना पड़ेगा द आंसर इज यस क्या हमको अपने ज्वाइंट वेंचर्स पर भी अप्लाई करना पड़ेगा क्या हमको अपने पास ज्वाइंट वेंचर्स पर भी अप्लाई करना पड़ेगा हां भाई हां क्या हमारे पेरेंट को भी अप्लाई करना पड़ेगा जो हमारा पेरेंट है क्या उसे भी अप्लाई करना पड़ेगा हां भाई हाँ, भई हाँ। इसका मतलब हमारे पास एक्स कंपनी अगर अप्लाई करेगी तो क्या उसके चक्कर में पूरा परिवार ज, जमेले में आ जाएगा तो ध्यान रखें अपने क्लाइंट को राय देने से पहले क्या पेरेंट्स से पूछ लेना जरूरी है कि नहीं है हम इनडीएस लगा रहे हैं पता चला पेरेंट फंस गया उस चक्कर में पेरेंट कहेगा तूने ऐसे कैसे कर दिया इसका मतलब पेरेंट को भी लूप में ले इनको भी लूप में ले और फिर इसके मुताबिक अपने पास आप इन सबके साथ मिलकर क्या करें स्टैंडर्ड कहना चाहता हूं पेरेंट की एक और भी सब्सिडरी है वाई क्या उसे भी अप्लाई करना पड़ेगा पेरेंट क... अब देखो ध्यान से देखो तो एक्स कंपनी की वजह से पेरेंट्स चक्कर में आ गया तो क्या पेरेंट के चक्कर में वाई भी चक्कर में आ जाएगा The answer is technically yes. Technically yes. But institute से ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने आंसर कुछ और दिया तो हमें तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट का आंसर फॉलो करना है तो बात को सुनो इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया उन्होंने कहा कि इसने अप्लाई किए इस वजह से पेरेंट पर आए बट इसका इससे रिलेशन फेलो सब्सिडरी का है इसे अपने पास एंड एस अप्लाई नहीं करना है मैं इस सॉल्यूशन से सहमत नहीं हूं लेकिन फिर भी थियोरेटिकली स्पीकिंग उन्होंने कहा जी एक्स पर अप्लाई करने थे पेरेंट को करने पड़ेंगे पर यह पेरेंट और इस सब्सिडरी में एनड एस की इसको आवश्यकता नहीं है वो कहते हैं जी ये एनडीएस का डाटा देगी इस पेरेंट को ताकि पेरेंट अपने कंसोलिडेशन कर ले पर ये अपने पास अप्लाई नहीं करेगी मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि पेरेंट अप्लाई करेगी तो पेरेंट को अपनी सब्सिडरी को दूसरे को मैंडेट करना ही पड़ेगा ठीक है बट क्या इंस्टीट्यूट के उस असल में वो ओपिनियन उन्होंने अपने पास दिया जब इंडियस इनिशियली आए थे वो अभी भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और वहीं से स्टडी मटेरियल छपी हुई है इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी भी कुछ सवालों में ये कह रखा है कि अगर एक्स अप्लाई करेगी तो पेरेंट अप्लाई करेगा लेकिन पेरेंट अप्लाई करेगा तो सब्सिडरी वाई अप्लाई नहीं करेगी क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड एज अ फेलो है तो आप भी इस बात को एग्जाम में अगर लिखना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड इंस्टीट्यूट के आंसर से ही पास होना है तो आप बात को समझ लो अप्लाई वाई को भी करना है में. में क्या अप्लाई करेगी द आंसर इज यस बट इंस्टीट्यूट के आंसर में क्या होगा ये अप्लाई नहीं करेगी बट ये डेटा जनरेट करेगी फॉर पेरेंट अपने पेरेंट को ऐसे देगी क्या आपको अनुप समझ में आ गई बात कि हम इस तरह से अपने पास इस स्टैंडर्ड को अपने अप्लाई करेंगे एक बच्चे ने पूछा है क्या जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं द आंसर इज यस जॉइंट वेंचर्स में क्या पार्टनरशिप फर्म्स आएंगी द आंसर इज यस yes. इसमें पार्टनरशिप फर्म्स आएंगी तो ये बताओ पार्टनरशिप फर्म कैसी क्या होती हैं पार्टनरशिप फर्म भी दो तरह की होती हैं जैसे आप और आपका दोस्त मिलकर पढ़ रहे हैं तो क्या ये आपकी एक पार्टनरशिप है हाँ, पार्टनरशिप है भाई आपका दोस्त ने कहा हम इकट्ठे बैठ के पढ़ लेंगे हमसे अकेले के लिए पढ़ाई नहीं होती अस स्टडी टुगेदर आज रात को आ जाना हम इकट्ठे पूरी रात पढ़ेंगे क्या ये पार्टनरशिप है द आंसर इज काइंड ऑफ पार्टनरशिप क्या कोई स्ट्रक्चर बनाया गया इसके लिए क्या कोई स्ट्रक्चर बनाया गया आंसर इज नो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया इसके लिए कोई इसके लिए हमने बॉडी नहीं बनाई इसको जॉइंट वेंचर नहीं बोलते इसे जॉइंट ऑपरेशन बोलते हैं तो वर्ड्स पर ध्यान दो जॉइंट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है मिलकर कोई काम करना आप मिलकर के ऑफिस चलते हैं चल आप मिलकर के ऑटो शेयर करके कहीं चलते हैं तो ये बताओ ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं ये ज्वाइंट ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं ज्वाइंट ऑपरेशन की बात नहीं चल रही किसकी बात चल रही है यहां पे ज्वाइंट वेंचर की बात चल रही है तो मुझे नजदीक करिए तो मैं कौन से पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं विच आर इन दी नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स नॉट इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन दो दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी पार्टनरशिप जैसे मान लो मैं और आप मिलकर कहें आओ हम मिस्टर एक्स पे कोर्ट केस कर दें ओके हमने कहा मैं और आप मिलके हम कोर्ट केस कर दें बाबा रामदेव पर तो हमने मैंने और आपने मिलकर के ज्वाइंटली एक केस फाइल कर दिया बाबा रामदेव पर क्या आपको मालूम है आजकल चर्चा भी चल रही है इसके ऊपर बड़ी वो दो व्यक्तियों ने मिलकर केस किया तो क्या दो आदमियों की पार्टनरशिप नहीं होगी फटाफट -फड़ से बताओ क्या दो आदमियों की पार्टनरशिप नहीं होगी इट्स अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप दे आर शेयरिंग देयर लीगल एक्सपेंसेस दे आर शेयरिंग देयर थॉट्स दे आर शेयरिंग देयर एक्सपेंसेस वो सब शेयर कर रहे हैं इट्स अ पार्टनरशिप बट इट इज नॉट ज्वाइंट वेंचर ओके तो पार्टनरशिप अगर मान लीजिए इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर है तो यहां पर आएगा क्या आपके मन में अभी इस पर और भी विचार आ रहे हैं कि सर ये ज्वाइंट वेंचर एग्जैक्टली वर्ड में क्या होता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये नॉलेज की बातें हैं सब आपको पता होनी चाहिए ज्वाइंट वेंचर स्ट्रक्चर्ड होते हैं ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर्ड यानी एंटिटी बनी होती है, kind of है. तो एक एंटिटी बनी है नंबर दो उस पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स काम करते हैं वो क्या करते हैं वो कंट्रोल करते हैं ज्वाइंट वेंचर को यानी पार्टनरशिप फॉर्म को क्या वो उन एसेट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे फॉर एग्जाम्पल नेकपाल इधर आओ। <coughs> सारे बच्चे सुनना और मुझे बताना कि हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का ज्वाइंट वेंचर क्या है क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास मैंने और नेकपाल ने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी हम दोनों ने क्या करी एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी तुम मेरे पार्टनर मैं तुम्हारा पार्टनर ओके हमने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का नाम रखा परवीन नेपाल पार्टनरशिप ओके क्या नाम है मेरा आपका एक पार्टनरशिप फॉर्म बन गई हम दोनों ने मिलकर के एक बिल्डिंग खरीदी पैसे इन्होंने भी डाले पैसे मैंने भी डाले वी हैव वन पार्टनरशिप पर मैंने इनसे कहा देख वो जो बिल्डिंग है ना उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरा है बाकी तेरा है क्या मैंने पार्टनरशिप में एसेट्स को ईयर मार्क कर दिया कि यह मेरा है और यह तेरा है द मूवमेंट मैंने मार्क कर दिया इट इज नॉट अ पार्टनरशिप क्या मेरी बात समझ रहे धन्यवाद द मूवमेंट मैंने एसेट्स को मार्क कर दिया इट इज नॉट अ पार्टनरशिप इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन पार्टनरशिप में उसकी एंटिटी भी बननी चाहिए और एंटिटी का कंट्रोल होना चाहिए एसेट्स पर इसका मतलब बुरी नजर वाले नहीं देखना एसेट्स को अगर पार्टनर अगर पार्टनर कंट्रोल करता है तो ठीक है पर किसे कंट्रोल करता है मैंने एसेट्स बोला है कि पार्टनरशिप फॉर्म बोला है पार्टनर शुड कंट्रोल पार्टनरशिप फॉर्म नॉट दी एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सॉरी अगर मैं कह दू मैं कह दू पार्टनर कंट्रोल्स एसेट्स लाइबिलिटीज ऑफ फॉर्म मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर मेरा थर्ड फ्लोर तेरा है हमारी पार्टनरशिप तो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म क्या आप मेरी बात समझ रहे ऐसी स्थिति में हम उसे क्या बोल देंगे हम बोल देंगे इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन क्या इसका मतलब ये हमारी डीड धोखा बनाने के लिए दी गई है हां क्या आपको समझ में आया कि हमने इसी मुद्दे पर आकर के पार्टनरशिप के अंदर भी रिसर्च करनी शुरू कर दी आईएफ आर एस की सुंदरता है आई एफ आर एस क्या करता है वो ये नहीं कहता है कि भाई ठीक है पार्टनरशिप फॉर्म है तो ये तो हो गया हमारे पास जॉइंट वेंचर ये आंसर नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो जॉइंट वेंचर है जॉइंट वेंचर बनने के लिए उसे किसकी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी बताओ उसे किसकी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी ज्वाइंट वेंचर क्या यह ऐसे ही सिमिलर रूल्स सब्सिडरी पर भी अप्लाई होंगे हाँ आप लोगों ने बचपन में क्या पढ़ रखा है सब्सिडरी के बारे में कितने प्रतिशत पर सब्सिडरी बन जाती है आप बोलते हैं मोर देन पचास परसेंट पे सब्सिडरी बन जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दूं पूरी सिंगल क्लास डेडिकेट की जाएगी यह बताने के लिए कि सब्सिडरी क्या होती है एंड इट इज नॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट रूल क्या हमारे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है द आंसर इज यस यू विल फाइंड वी कैन हैव अ सब्सिड्री एट थर्टी परसेंट ऑल्सो फोर्टी परसेंट ऑल्सो फिफ्टी परसेंट ऑल्सो सिक्सटी परसेंट ऑल्सो इसका मतलब हमारे इंड एस में क्या सब्सिडी बीस परसेंट पर भी बन जाएगी बिल्कुल बन सकती है क्या आप मेरी बात समझ रहे वो मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा टॉपिक अभी वो इस तरह का नहीं है क्या एसोसिएट का भी आपको अल्टीमेट मीनिंग मीनिंग है तो तो ऑल थिंग्स हैव सम आई होप यू विल कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड इट कि मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दे दिया जॉइंट वेंचर का कि हमारे पास इस तरह की ये आपकी पहली एप्लीकेशन है यहां तक ठीक हो गई वो बात तो मुझे बताओ <coughs> अगला स्टेप पर आओ <coughs> एक चार दो हजार सोलह ये एक नाम दिया गया फेज वन जिनमें कुछ कंपनीज को उन्होंने मैंडेटरी कवर कर दिया उन्होंने कहा भाई जो भी लिस्टेड है या अनलिस्टेड हैं जिनकी नेटवर्थ नेटवर्थ का मीनिंग बताएंगे जिनकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ या मोर देन दैट हाँ खुशी ने कहा मतलब एक्ट वाला डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगा एनडीएस में एनडीएस की डेफिनेशन चलेंगी तो मैं आपसे कह रहा हूं जिनकी नेटवर्थ कितनी है फटाफट फड़ से बताओ जिनकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ या उससे ज्यादा उन कंपनीज को फेज वन में अप्लाई करवा दिए स्टैंडर्ड किस डेट से अप्लाई करा दिए इस डेट से अप्लाई करा दिए क्या यहां पर भी वही रूल चलेगा कि कांट रिवोक इंडिया सप्लाई होंगे तो ए एस अप्लाई नहीं होंगे दोनों जगह करना पड़ेगा फुल फैमिली पर अप्लाई होगा क्या यहां पर भी वही सब बातें कॉमन चलती आ रही हैं द आंसर इज यस तो मुझे बताओ फेज वन में जिनको अप्लाई किया गया था क्या वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए कि अनलिस्टेड होनी चाहिए कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ हेयर नेटवर्थ का मीनिंग है <coughs> सेक्शन 257 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से कि हम यहां पर अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेंगे फ्री रिजर्व भी लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व हम बीच में नहीं लेंगे लॉसेस अगर हैं तो माइनस कर देंगे या अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो आपने अपने पास माइनस करना है तो कर सकते हैं यहां पर फिर से बात को समझना क्या इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स एज पर एंड एस फटाफट फड़ से बताओ It means as per The answer is yes. क्या इट मीन एज पर द आंसर इज यस क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन एज पर जो कि इक्विटी जैसी होगी फ्री रिजर्व मीन एज पर प्रीमियम भी हमारा एज पर भी एज पर यानी सेक्शन कहां से उठाया है? मैंने कंपनी लेकिन मीनिंग कहां से उठा रहा हूं मैं मीनिंग उठा रहा हूं जो के हैं कि इंडिया ने क्या बता रखा है मीनिंग क्या है फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको बोलता हूं कैपिटल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व अगर यह प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रांट है तो क्या आपको याद है इंटरमीडिएट में पढ़कर आए हो मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपको इंटर के याद हो क्या बैकवर्ड एरिया ग्रांट में आप अपने पास कहां डालते थे ग्रांट को जो बैकवर्ड एरिया की ग्रांट होती थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व में आप कहां डालते थे कैपिटल रिजर्व में इंडियस कहता है वो कैपिटल रिजर्व नहीं होना चाहिए फ्री रिजर्व होना चाहिए तो मुझे बताओ एज पर इंडियस वो फ्री रिजर्व है क्या दो सतावन में नेटवर्थ निकालते वक्त ये वाला कैपिटल रिजर्व ऐड करना पड़ेगा प्लीज टेल मी क्या मैं अपने पास जो कैपिटल रिजर्व है जो बैकवर्ड एरिया का ग्रांट है क्या वो ऐड करूंगा प्लीज टेल मी यस और नो द आंसर इज यस क्योंकि इंड यस बैकवर्ड एरिया ग्रांट के भी ग्रांट को कैपिटलिज्म नहीं बोलता कहता है ये क्या है ये फ्री रिजर्व है हम बिल्कुल डेफिनेशनल एस्पेक्ट में चलेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखता रहेगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो हमने कहा इनकी नेटवर्थ ऐसी होगी तो हम अपने पास काम करेंगे ये नेटवर्थ किस दिन की देखनी है क्योंकि नेटवर्थ तो रोज बदल रही है किस दिन की नेटवर्थ देखनी है नेटवर्थ देखनी है आपने 31 मार्च 2014 से हर 31 मार्च को इसका मतलब ये हो गया अगर मान लो इकतीस मार्च 2014 को नेटवर्थ पांच सौ करोड़ या उससे ज्यादा थी तो इंडिया कब से अप्लाई हो जाएंगे 2016 अगर 2015 में थी तो कब से अप्लाई हो जाएंगे 16 यानी आपने अपने पास ये जो डेट है जो आपके लॉ में लिखी है वो कौन सी लिखी है वो ये अब आपको वैसे एक बात समझ में आनी चाहिए क्या ये इंफॉर्मेशन काम की है आपके एग्जाम के लिए ये डेटे निकल गई दस साल हो गई इस बात को क्या दस साल बाद भी ये डेटे रेलिवेंट होनी चाहिए द आंसर इज नो सैडली वेन न्यू कोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड कोर्स ओके तो क्या आपको ये डेट हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है द आंसर इज यस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस डेट्स ओके फिर आ गया हमारे पास कौन सी डेट आ गई एक चार दो हजार सत्रह यहां से हमने कर दिया फेज टू आजकल कौन सा फेज चल रहा है आजकल फेज टू चल रहा है इसका मतलब क्या ये पॉइंट जो ये नेटवर्थ 500 करोड़ था क्या ये आपके पास रेलेवेंट है द आंसर इज नो हाँ अर्निक एक एग्जाम्पल लेके मैं बिता दूंगा मैं पहले एक चर्चा और कर दू ठीक है दोनों के अंदर सिमिलर पॉइंट है फेज दो में कह दिया ऑल लिस्टेड या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कंपनीज लिस्टिंग कहां पर होगी लिस्टिंग आपकी एसएमई एक्सचेंज नहीं एसएमई एक्सचेंज नहीं क्या आपको मालूम है एसएमई एक्सचेंज है एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई एक्सचेंज यानी छोटे छोटी कंपनीज के लिए भी एक एक्सचेंज बनी हुई है जिससे आप शेयर खरीदते हैं ना आप एन पे जाके शेयर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हैं तो एक और भी एक्सचेंज है जिसका नाम है एस एम ई स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज एस एम ई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज की एक्सचेंज एस एम ई एक्सचेंज में भी लिस्टिंग होती है क्या वहां पर भी लिस्टिंग कराई जाती है हा पर उसे लिस्टिंग नहीं माना जाता ओके okay? तो मैं वर्ड जब बोलता हूं लिस्टेड तो क्या मैं एसएमई एक्सचेंज को काउंट कर रहा हूं द आंसर इज नो मेरी लिस्टिंग का क्या मतलब है बॉम्बे या एनएससी मैं इनकी बातें कर रहा हूं ओके okay? <coughs> तो ये नहीं ऑल लिस्टेड ऑफ कोर्स लिस्टेड इन इंडिया की बात चल रही है इसका मतलब एसएमई एक्सचेंज नहीं तो वैसे कौन सी बच गई फटाफट -फड़ से बताओ कौन सी बच गई एनएससी बच गई बीएससी बच गई <coughs> यानी इनके अंदर कहीं पर भी लिस्टेड है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है क्या आज की डेट में इनकी नेटवर्थ देखनी है फेज वन में तो देखते थे ना फेज वन में कहा था लिस्टेड जिसकी नेटवर्थ मोर देन पांच सौ करोड़ या इक्वल टू पांच सौ करोड़ है लेकिन आजकल तो यह चल रहा है क्या आजकल आप उसके लिए लिस्टेड कंपनी के लिए नेटवर्थ देखते हैं द आंसर इज नो आजकल नहीं देखते हैं अनलिस्टेड जिसकी नेटवर्थ कितनी है 250 करोड़ तो मुझे बताओ आज की डेट में जो रूल है बताओ वो कौन सा है 500 करोड़ का है कि 250 करोड़ का है तो आज अपने पास अगर देखना है तो 250 करोड़ को देखा जाता है ये नेटवर्थ हमेशा कौन सी डेट को देखोगे 15 अगस्त को 26 जनवरी को के 31 मार्च को क्योंकि नेटवर्क तो रोज बदल रही है आप हमेशा कौन सी डेट को देखोगे हमेशा 31 मार्च को देखोगे उससे पहले देखने का फायदा नहीं है अगर मान लीजिए ये 250 करोड़ हो जाता है 31 मार्च 2014 से हर 31 मार्च को अर्निक 31 मार्च 2014 से हर 31 मार्च को अगर कभी भी ढाई सौ करोड़ हो जाता है तो उस पर एनडीएस अप्लाई हो जाएंगे क्या जिन पर अप्लाई होने थे अप्लाई हो चुके द आंसर इज यस आज की डेट में अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूं, तो क्या बोल सकता हूं अगर मैं आज की बात करता हूं मान लो मैं आपसे कहता हूं एक्स लिमिटेड है 31 मार्च 2023 को उसकी नेटवर्थ 24 बोल दो इकतीस मार्च 2024 को उसकी नेटवर्थ हो गई 300 करोड़ बताओ उस पर इंडिया पहले नहीं हुए थे पहली बार हुई यानी वो 250 करोड़ को एक्सीड कर गया किस डेट को एक्सीड कर गया 31 मार्च 2024 हजार इंडिया कब से अप्लाई होंगे इंडिया कब से अप्लाई हो जाएंगे इंडिया आपके 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई हो जाएंगे अगले ही दिन से अप्लाई हो जाएंगे एक अप्रैल 2024 से ही अप्लाई हो जाएंगे सर लेकिन उसकी बैलेंस शीट तो 31 मार्च तक की बैलेंस शीट कौन सी बनेगी बताओ 31 मार्च तक की बैलेंस शीट बनेगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक चार से जो साल शुरू हुआ है इसकी बैलेंस शीट बनेगी कब कोई एक चार तो थोड़ी ना बन जाएगी इसकी बैलेंस शीट कब बनेगी इसकी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2025 को इसका मतलब इसके अंदर आपको अपने पास 2025 बैलेंस शीट जो बनानी पड़ेगी वो एज पर इंडियस बनानी पड़ेगी वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दू ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन तो इसकी पहले बैलेंस शीट जो बनेगी वो कब बनेगी 31 मार्च 2025 क्या कंपेरेटिव देना पड़ेगा मुझको फटाफट से बताओ क्या कंपेरेटिव देना पड़ेगा मुझको अपने पास <coughs> क्या मुझे कंपेरेटिव देना पड़ेगा द आंसर इज यस मुझे कंपेरेटिव देना पड़ेगा इकतीस तीन दो हजार चौबीस का क्या आपको मालूम है मुझे एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाकर देनी पड़ेगी <coughs> एक चार दो हजार तेईस यानी का बिगिनिंग की भी बैलेंस शीट देनी पड़ेगी तो मुझे बताइए क्या मुझे तीन बैलेंस शीट्स देनी पड़ेंगी हाँ दो पीएनएल देने पड़ेंगे बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग दो हो गई नोटिस कर रहे हो बैलेंस शीट दो हो गई पीएनएल तो ऑफ कोर्स दो ही हैं <accusational self> <staff> क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो आप यह ना समझ लेना कि बैलेंस शीटें तीन है तीन संख्या में दिख रही हैं क्या दो ही साल हैं एक बैलेंस शीट यहां एक बैलेंस शीट यहां है तो दो ही एक इसकी ओपनिंग की बैलेंस शीट भी दी जाती है ओपनिंग की बैलेंस शीट भी दी जाती है और पीएनएल कितने दिए जाते हैं पीएनएल एक ये दिया जाता है और एक पीएनएल ये दिया जाता है तो संख्या में पीएनएल दो दिखते हैं और संख्या में बैलेंस शीट कितनी दिखती है तीन दिखती है ओके दिस इज हैपनिंग लाइक दिस तो आज की डेट में ये फेज टू है जिसमें हमने इसको कवर कर दिया <coughs> फिर आ गया हमारे पास <coughs> एक चार दो हजार अथारा. यहां एनबीएफसी को पकड़ लिया गया किसको पकड़ लिया गया एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को यानी एनबीएफसी जो है एक चार दो हजार अट्ठारह से आ गई पहले वही रूल था लिस्टेड है अनलिस्टेड है मोर देन पांच सौ करोड़ है तो एनबीएफसी को यहां पकड़ लिया गया लिस्टेड है अनलिस्टेड है मोर देन 500 करोड़ है तो ये एनबीएफसी का कौन सा फेज है ये एनबीएफसी का फेज वन है वैसे एनबीएफसी आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं आपके बारे में इस बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा वैसे ही एक चार 2019 को भी एनबीएफसी का फेज टू आ गया और उसमें किसको कह दिया गया ऑल लिस्टेड या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग को इसमें कवर कर दिया गया और अनलिस्टेड को जिसकी नेटवर्थ कितनी है जिसकी नेटवर्थ ढाई सौ करोड़ है उसे फेज दो में कवर कर दिया गया कोई दिक्कत की बात तो नहीं यानी उसे भी हमने अपने पास इंक्लूड करवा दिया फेज टू में इसके बाद कोविड आ गया ओ माय गॉड इसके बाद कोविड आ गया और कोविड के आते ही जो हर साल का प्रथा बन गई थी मोदी जी की मोदी जी जी कहां पर आ गए थे मुझे बताओ क्या मोदी जी 2015 से पहले आ चुके थे हाँ तो मोदी जी ने इसके बाद हर साल क्या करना शुरू कर दिया था आ भाई तू भी आ जाए इंडिया आ जा इंडिया में तू भी आ जाए इंडिया में तू भी आ जास में, जा में, जा में. सबको पकड़ना शुरू कर दिया अब लाइन में कौन लगा हुआ था अब लाइन में लगे हुए थे बैंक और कौन लगे हुए थे इंश्योरेंस कंपनीज़ इनके आने से पहले ही कोविड आ गया तो क्या डेफरमेंट हो गई फटाफट फड़ से बताओ क्या बैंकों पर और इंश्योरेंस कंपनीज पर इंडियस की डेफरमेंट हो गई तो इनको डेफर कर दिया गया किनको का भी देखते हैं खाली कोविड ही कारण है डेफर होने का या कुछ और भी कारण है और भी कारण है इन दोनों पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ऑलरेडी आरबीआई और आईआरडीए लगाता है तो क्या इंडिया में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होने की वजह से उसका और इंडियस का द्वंद होगा दोनों के अंदर द्वंद है जिसकी वजह से ना आरबीआई अपनी ताकत कम करना चाहता है और ना इंडिया में मेजर चेंजेस कर सकते हैं भाई कितने चेंजेस कर लोगे ज्यादा तो करोगे वरना इंडिया बेकार हो जाएंगे इसका मतलब हम इस वजह से इस विवाद से गुजर रहे हैं क्या आने वाले और साल में दो साल में कभी भी क्या ऐसा होगा कि ये भी इन में आ जाएंगे द आंसर इज यस अभी तक ये इनडीएस में नहीं आए तो बताओ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्या अप्लाई कर रहे हैं अगर इन पर एनडीएस अप्लाई नहीं हुए तो अभी भी क्या अप्लाई कर रहे हैं ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता था ओके okay? <clears throat> क्या आपके लिए रेलेवेंट जो होना चाहिए वो यही पार्ट होना चाहिए जो रेड पेन से लिखा हुआ है बाकी सब बेकार है जो ब्लैक से लिखा एनबीएफसी वो बेकार है बैंक इंश्योरेंस बेकार है सिर्फ रेड पेन का ही रेलेवेंट है कि भाई आपके लिए है आपके मन में एक नॉलेज के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सर जिस पर इंडिया सप्लाई नहीं होता उस पर क्या अप्लाई होगा बताओ जिस पर इंडिया सप्लाई नहीं होता उस पर क्या अप्लाई होगा उस पर अप्लाई होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताओ ये जो दुकानें खुली हुई हैं ये जो छोले भटूरे बेच रहे हैं पड़ोस में ये सब पर क्या अप्लाई होगा दे आर नॉट कंपनीज मंदिर ट्रस्ट संस्थान इन सब पर क्या अप्लाई होंगे इन सब पर अप्लाई होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मंदिर की चर्चा आई तो एक बार बता दे अगर मंदिर कंपनी है सेक्शन एट की तो क्या एंड एस अप्लाई होंगे आई मीन टू से अगर मंदिर एक चैरिटेबल संस्था है सेक्शन एट कंपनी है तो क्या उस पर एनडीएस अप्लाई होंगे द आंसर इज यस कंपनी है तो इंडियस आ जाएंगे प्रोवाइडेड वो इनमें किसी पैरामीटर में फंस जाए ओके अगर वो सेक्शन आठ कंपनी है और इस फेज में कवर नहीं हो रही है तो ऑफ कोर्स वो भी ए अप्लाई करती रहेगी कितने तरह के लेवल्स होते हैं कुछ याद है इंटरमीडिएट में पढ़ते थे लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर फिर जो कंपनियां हैं वो भी दो तरह की कंपनी एस एम सी नॉन एस एम सी ये सब पढ़ते थे वो आपकी किताब में नॉलेज के लिए, लिए लिखा हुआ है एग्जाम के लिए नहीं चाहिए है आइए मेरे साथ सच दिखा दो सब बच्चे अपनी कॉपी में आकर पढ़ेंगे जब आप एनडीएस अप्लाई करेंगे तो आप वॉलेंटरी भी अप्लाई कर सकते हैं बट क्या आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे रिवोक नहीं कर सकते हैं और अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपको ए एस फॉलो नहीं करेंगे हा एक मिनट अनूप अच्छा तनिषा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आईसीडीएस का क्या रेलेवेंस है देखो पहले तो मुझे दिखाओ आईसीडीएस तो अलग चीज है आईसीडीएस तो टैक्स की इनकम निकालने के लिए है जो आप कंप्यूटेशन बनाते हो ना उसकी है वो कंपनी की बैलेंस शीट के लिए नहीं है तो आईसीडीएस का पालन किया जाता है कंप्यूटेशन को तैयार करने के अंदर ओके इसका मतलब उसका हमारे यहां से कोई लेना देना नहीं है और वो अभी तक है वो कब तक रहेंगे अब नहीं पता हाँ अनूप अभी ब्रेक देंगे बेटा दस पंद्रह मिनट ब्रेक देंगे आपको ओके <coughs> अच्छा क्या आजकल इन मैंडेटरी भी है फटाफट से बताओ किन के लिए मैंडेटरी है लिस्टेड <coughs> या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एनी एक्सचेंज एनी एक्सचेंज क्या आगे लिख देना मेन बोर्ड मेन बोर्ड व्हाट इज मेन बोर्ड मतलब नॉट एसएमई वो लिस्टेड ही नहीं माने जाते बट फिर भी भी के लिए मैंने बता दिया क्या कोई सिक्योरिटी हो सकता है हमने लिस्ट करा रखी हो शेयर हो सकते हैं डिबेंचर हो सकते हैं हमने कोई भी लिस्ट करा रखी हो द आंसर इज यस क्या एनबीएफसी भी कवर हो गए हैं बट बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अभी भी पेंडिंग है ये अभी भी एज ऑन टूडे पेंडिंग है अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ कितनी है 250 करोड़ ऑन इकतीस मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर उन पर भी अप्लाई हो जाते हैं नेटवर्थ का क्या फॉर्मूला है नेटवर्थ का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर ये इक्विटी है तो क्या आपको चेक करना पड़ेगा प्रेफरेंस को द आंसर इज यस फ्री रिजर्व में से लॉसेस को माइनस कर देना कैपिटल रिजर्व जो ग्रांट वाला है उसको जोड़ देना सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेना या इसोप रिजर्व ले लेना आपको मालूम है इसोप रिजर्व क्या होता है ये भी इंटरमीडिएट में पढ़ते थे जब कंपनी अपने इंप्लॉयज को आ, देती है तो उस ईसॉप के अंदर जो क्रेडिट होता है दैट इज कॉल्ड इस रिजर्व वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं डू नॉट कंसिडर अदर रिजर्व लाइक रिवेल्यूशन रिजर्व और अदर स्पेसिफिक रिजर्व बाकी रिजर्व आपको कंसिडर नहीं करना है हमारे देश में कंपनियों के अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि इन्हें इंडिया सप्लाई करने पड़ेंगे क्या ध्यान रहेगा दीज आर नॉट कंपनीज क्या फिर भी इनको इंड एएस लगाने हैं किनकी बात कर रहे हैं? Kind of हमारे पास इंडिया आएंगे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो नोटिफाई कर दिए ने इन पर भी इंडिया अप्लाई होते हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी पर भी इंडिया अप्लाई कर सकती है वो किसी पर भी इंडियस अप्लाई कर सकती है ऐसा उसके पास पावर है अगर इंडिया करेंगे तो क्या पूरी फैमिली पर अप्लाई करना पड़ेगा आंसर यस yes. ये क्या लिखा है के इन सब पर अप्लाई करना पड़ेगा ये एक छोटे छोटे केसेस हैं स्पेशल केसेस ये स्पेशल केसेस आप अगर मुझे समय दें पांच मिनट का मैं ब्रेक से पहले चाहता हूं हा अनूप आ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यही पावर इस्तेमाल करके रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को नोटिफाई कर दिया ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने पास थ्रू या जिसके थ्रू भी करना चाहे वो किसी पर भी अप्लाई करवा देगी तो मैं इसके बारे में स्पेशल केस के बारे में बात करना चाहता हूं कि स्पेशल केस क्या है बस अच्छा इसका प्रिंट भी तो लेना इसका प्रिंट भी लेना है क्या ये प्रिंट आपको रिवीजन के वक्त मदद करेंगे कुर्सी हटानी पड़ेगी वैसे तो आप हैंड रिटन नोट्स कर लेंगे दैट इज भी अगर आप उसका बेस देखेंगे कि हमने जो चर्चा की थी वो क्या थी तो ये आपकी मदद करेंगे आ। ऋषभ आर ई आई टी के ऊपर मैंडेट ही कर दिया गया कि आप इंडिया से अप्लाई करेंगे ओके अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से एक छोटा सा पॉइंट क्या यह समस्या आ सकती है कि एक्सिस बैंक की एक सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ है 250 करोड़ से ऊपर इस पर लग गए एनडीएस एक्सिस बैंक पर क्या लगेंगे फटाफट -फड़ से बताओ आपके एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड तो ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें उसमें तो 31 मार्च 2014 से अप्लाई होना चाहिए ना एनडीएस आयुष मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपका समझने का प्रयास करूंगा पहले भी इसकी बात कर लेंगे आयुष एक्सिस बैंक पर क्या अप्लाई होगा एक्सिस बैंक अब बैंकों पर क्या एनडीएस आ चुके हैं फटाफट से बताओ क्या बैंकों पर एनडीएस आ चुके हैं द आंसर इज नो इनके लिए अभी भी क्या है ए एस और एक्स लिमिटेड पर क्या लग गया फटाफट से बताओ इस पर क्या लग गया इंडिया नौ अगर सब्सिडरी पर एंड लग गया तो क्या पेरेंट को भी Indias लगाना चाहिए पेरेंट को भी Indias लगाना चाहिए पर हमने मना कर रखा है हमने कहा नहीं नहीं बैंक अभी एंडीएस नहीं लगाएंगे जब तक उसमें इश्यूज रिजोल्व नहीं हो जाते बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों पर हम इंडिया अप्लाई नहीं कर सकते हैं अब क्या करें तो यू मेक कम अक्रॉस सम सिचुएशन वेयर इन द फैमिली one has to apply nds and one has to apply accounting standard in that situation. in that situation, the parent who is parent, fadafet phad sabatau, <coughs> who is parent, access bank is parent, the parent will fetch data from its subsidiary as per its need for the purpose of consolidation. what does it mean? पेरेंट विल फेच डेटा फ्रॉम सब्सिडरी एज पर इट्स नीड तो मुझे बताओ एक्सिस बैंक को कॉन्सोलिडेशन करने के लिए डाटा कौन सा चाहिए एक्सिस बैंक को कॉन्सॉलिडेट करने के लिए डाटा चाहिए एक्स लिमिटेड का एज पर ए एस तो क्या इस सब्सिडी को इसे डेटा देना पड़ेगा एज पर एस द आंसर इज यस yes. उसे यह डेटा देना पड़ेगा सर मान लेते हैं वाई लिमिटेड इज अ पेरेंट ऑफ एक्सिस बैंक और मैंने कहा इसकी नेटवर्थ हो गई ढाई सौ करोड़ से ज्यादा इस पर क्या लग जाएगा फटाफट -फड़ से बताओ इस पर क्या लग जाएगा इस पर क्या लग जाएगा इस पर लग जाएगा इंडियस अगर इस पर लग गया एनडीएस तो इसकी सब्सिडरी कौन है एक्सिस बैंक क्या सब्सिडरी अभी भी ए एस लगा के बैठेगी सब्सिडरी अभी भी ए एस लगा के बैठेगी <coughs> ये अटका हुआ है ना बीच में पूरे ग्रुप में क्या ये अटका हुआ है ये अटका हुआ है इस पर आप एसई अप्लाई करेंगे अब सवाल है कौन अपने आप को बदलेगा फिर से वही कॉन्सेप्ट पेरेंट विल फेच डेटा फ्रॉम इट्स सब्सिडरी फॉर कॉन्सोलिडेशन वीन हु फेच डाटा एक्सिस बैंक और वाई लिमिटेड डाटा फ्रॉम एक्स बैंक एज पर बताओ क्या वो एक्सिस बैंक से डाटा कौन सा मांगेगा एज पर इन एयर्स सो दट डे कैन कंसोलिडेट इट तो क्या आपको मेरी बात समझ में आती है तो एक्सिस बैंक को भी अपने पेरेंट के लिए क्या आपको एंडेस लगाने पड़ जाएंगे अपने पेरेंट के लिए इंडेस लगाने पड़ जाएंगे लेकिन पब्लिक को जो प्रिंट करा के दिए जाएंगे क्या वो एज पर एस होंगे जो पब्लिक को दिए जाएंगे वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे क्या ये रूल केवल बैंकों पर है या ये इंश्योरेंस कंपनीज पर भी है ये इंश्योरेंस कंपनीज पर भी है इसका मतलब यहां पर मैं अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी डाल दूं तो उसमें भी ये रूल है अच्छा क्या यह फॉरेन कंपनी पर भी है ये रूल क्या यही रूल फॉरेन कंपनी पर भी है हाँ मुझे बताओ फॉरेन कंपनी एस नहीं लगाती क्या यह फॉरेन के स्टैंडर्ड लगाएगी फॉरेन कंपनी फॉरेन के स्टैंडर्ड लगाएगी तो इसका मतलब यह हो गया अगर किसी फॉरेन कंपनी का इंडियन पेरेंट है तो बताओ क्या रिक्वायरमेंट है अगर किसी फॉरेन कोई कंपनी का इंडियन कंपनी का कंपनी इंडिया की है उसकी फॉरेन की सब्सिडरी है सब्सिडरी फॉरेन की है तो क्या इंडियन पेरेंट को फॉरेन सब्सिडरी से एज पर इंडिया डेटा मंगवा के कंसोलिडेट करना है द आंसर इज यस क्या फॉरेन कंपनी इंडियन सब्सिडरी से डेटा फेच करेगी एस पर इंडियस अप्लाई कॉमन सेंस एंड गिव मी द आंसर क्या फॉरेन की कंपनी जिस पर इंडिया अप्लाई ही नहीं होते क्या वो वाई कंपनी जो कि इंडिया की कंपनी है वो अपने पास इंडिया से लाएगी द आंसर इज नो जो फॉरेन की कंपनी है वो कंसोलिडेशन किन के मुताबिक करेगी जो फॉरेन की कंपनी है वो कंसोलिडेशन करेगी फॉरेन के स्टैंडर्ड से और वहां के हिसाब से ये डाटा अपने आप अप देगी वो मेरे चर्चा के दायरे से बाहर है हमें उसके बारे में क्या बात करनी है वो जाने उसने कैसे कंसोलिडेशन करनी है हमारा आपका क्या लेना देना आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज द स्पेशल केस कोई दिक्कत तो नहीं आओ दिखाओ <coughs> बस इसी को हमने यहां पर लिखा हुआ है कि इंडियन पेरेंट है सब्सिडरी बता दिया ओवरसीज तो ये इसको डाटा देना पड़ेगा या अगर मान लो ओवरसीज पेरेंट है तो इसको डाटा देना पड़ेगा एक छोटा सा क्रक्स बनाने का प्रयास किया है कि अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है तो बताओ इन पर क्या अप्लाई होते हैं बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पर क्या अप्लाई होंगे इस पर अप्लाई हो गए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पर इंडस लगने थे उन पर क्या अप्लाई हो गए उन पर अप्लाई हो गए एनडीएस जो बच गए वो वो कहा जाएंगे भाई जो बैंक भी नहीं है जिन पे एनडीएस भी नहीं है वो कहां जाएंगे वो गए इंटरमीडिएट के अंदर क्या यही इंटरमीडिएट था आपका <coughs> यानी इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर और वो कंपनी आप सारे बच्चे बताओ मेरी कंपनी जो है एल्डाइन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड फटाफट से बताओ क्या वो बैंक है कि इंश्योरेंस कंपनी है मेरी कंपनी छोटी सी कंपनी घाटे में वाली कंपनी क्या वो बैंक है द आंसर इज नो क्या मेरी कंपनी पर इंडिया सप्लाई होते हैं उसकी नेटवर्थ घाटे में है क्या मेरी कंपनी पर इंडिया सप्लाई होते हैं द आंसर इज नो तो मेरी कंपनी पर क्या अप्लाई होंगे मेरी कंपनी पर आपके इंटरमीडिएट के एस अप्लाई होंगे उसमें भी नॉन एसएमसी और एसएमसी की बात होती है अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये आपके पास दो पेज में इंटरमीडिएट का एक चार्ट बना करके रिवाइज करा रखा है कि इसके अंदर बैंक बिग कंपनीज कौन होती हैं, स्मॉल कंपनीज हैं आप इनको रीड कर सकते हैं दिस इज योर रीडिंग मटेरियल ये आपकी अपनी रीडिंग के लिए है अदरवाइज मेरे स्टैंडर्ड से कोई ये 2000 कौन से वाले है? 2015 के हैं, के के है? हैं हालांकि बदल गए हैं तो मैं 21 लिखूं कि 6 लिखूं जो 2006 में आए थे ये 2021 में आके बदल गए हैं तो मैं यहां पर क्या लिखूं अब <coughs> अनूप कह रहा है 2021 लिखो ऐसे लिख दो अनूप कि याद रहेगा कि 2006 के रूल्स क्या बन गए 2021 के रूल्स बन गए ठीक है उनमें चेंज आया था बड़ा और उसके बाद ये रूल्स बदल गए थे तो बस हमारे पास ये एक एस्पेक्ट था ये एक टॉपिक था मैं चाहता हूं कि इस पर आपको पहले ब्रेक दे दिया जाए और ब्रेक के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे क्या अभी तक जितनी बातें करी कॉन्सेप्चुअल कर ली हमने क्या अब आपको लगता है कि अब हम किताब के क्वेश्चंस करके देखें आर वी एबल टू डू द क्वेश्चंस अगर हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता का विषय है ओके तो हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन करा दिया हो गया बस खत्म इसी को समझ लो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अब हम क्वेश्चन करेंगे आप क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखेंगे क्या मैं आपको आंसर लिखाऊंगा अभी छोटे बच्चों की तरह द आंसर इज यस मैं आपके सामने कॉपी में लिखूंगा आप भी मेरे साथ लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा ये देसी क्लासे हैं ट्रेडिशनल क्लासे हैं आप में से जो बच्चे इसके अंदर बिलीव करते हैं कि हाँ हमें ऐसा पढ़ना चाहिए ये उनको ज्यादा सूट करती है ठीक है तो एक बच्चे ने पूछा क्या आज की क्लासेस का बैकअप मिलेगा हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर लाइव क्लास करोगे तो लाइव क्लास के अलावा टू टाइम्स का बैकअप है ओ माय गॉड यानी कितनी बार क्लास कर सकते हो एक बार क्लास करो दो बार का बैकअप है तुमने अगर मेरे साथ साथ सब क्लासें कर ली तो तुम्हारा पूरा का पूरा बैकअप बचा रहेगा फटा फटाफट से बताओ पूरा का पूरा बैकअप बाद में तुम यूज करना चाहोगे तो उसको यूज कर सकते हो कोई चीज समझने के लिए और अगर मान लीजिए आपने लाइव क्लास नहीं की तो फिर कितने टाइम्स आपको बैकअप मिलेगा ओनली टू टाइम्स

हम दस मिनट का ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद क्वेश्चंस करेंगे वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक क्या आप लोग वापस आ गए हैं अनूप उत्सव तनिषा हम अपने पास क्वेश्चंस करेंगे तो अब ये नितिन अर्निक सुलवा श्रीराम अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो अब क्वेश्चन कुल मिलाकर के अगर हमने कॉन्सेप्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन का जिम्मा आपका है ओके तो यू हैव टू डू द क्वेश्चन आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर वन अच्छा बुक आपके पास अभी किसी को भी नहीं मिली है किसी एक, एक को मिली भी है अभी तक बुक <coughs> सभी किसी के पास भी नहीं पहुंची तुलवा कह रहे नहीं हमारे पास भी नहीं आई अर्निक भी नहीं आई अनूप के पास भी नहीं आई हिमानी के पास भी नहीं आई अभिजीत के पास आ गई है वेरी गुड <coughs> शार के पास भी आ गई है वेरी गुड जिनके पास आ गई है बड़ी अच्छी बात है बाकियों के पास अगली दो तीन दिन लग जाएंगे तो दो तीन दिन में किताबें मिल जाएंगी <coughs> लो भाई सबसे पहले <coughs> आपका ये चैप्टर कौन सा है <coughs> आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर वन और <coughs> उसका यूनिट है वन ठीक है इसके क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन ठीक है फॉलोइंग इज द स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी ए ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौदह डेट पढ़ें और मुझे बताएं कौन सी डेट की है इकतीस मार्च दो हजार चौदह कंपनीज ए इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंस 2010 मुझे फटाफट फड़ से बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल है 160 सौ प्रीमियम रिजर्व एक सौ 150 रिवल्यूशन रिजर्व फोर्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75 फाइव लाइबिलिटीज वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फिक्स डेसिट्स फोर फिफ्टी फाइव इन्वेस्टमेंट दो सौ करंट सेट पचास मिसलिनियस एक्सपेंडिचर ए टी एज पर रोडमैपेज कम, कंपनी ए फॉल्स इन टू आपने बताना यह किस फेज में फॉल करती है तो मुझे फटाफट से यह बताइए क्या आपको अपने पास चेक करना पड़ेगा मुझे फटाफट बताओ कितने फेजिस थे कितने फेजिस थे फेज वन एंड फेज टू फेज वन में कौन सी कंपनियां थी लिस्टेड और अनलिस्टेड जिनकी नेटवर्थ कितने के बराबर थी या ज्यादा थी पांच सौ करोड़ <coughs> और फेज दो में कौन सी कंपनीज है फटाफट फड़ से बताओ ऑल लिस्टेड आ गई तथा अनलिस्टेड कौन सी वाली आ गई अनलिस्टेड आ गई <coughs> जिनकी नेटवर्थ किसके बराबर है ज्यादा है 250 करोड़ हां अनु प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग बार लिखते नहीं है लेकिन है क्या आप मेरे को नेटवर्थ बता सकते हो फटाफट से बताओ <coughs> नेटवर्थ क्या होगी इसकी <coughs> नेटवर्थ के लिए हाईलाइटर यूज करते हैं तो नेटवर्थ हमारे पास क्या इक्विटी शेयर कैपिटल नेटवर्थ का पार्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल तो बाय नेम ही इक्विटी है मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या हम नेटवर्थ में लेते हैं द आंसर इज यस जनरल रिजर्व को लेते हैं द आंसर इज यस रिवैल्यूशन रिजर्व को लेते हैं द आंसर इज आंसर इज यस लाइबिलिटी लेते हैं द आंसर इज नो क्या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेस फटाफट से बताओ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ आर लॉसेस द आंसर इज यस ये तो आपके पास सारे रियल एसेट्स हैं मुझे फटाफट फड़ से बताओ नेट एसेट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास कितने बन गई नेटवर्थ 160 प्लस 200 प्लस दो सौ प्लस माइनस सौ इज़ इक्वल टू माइनस ने कहा 505 अब मुझे यह बताओ अगर 505 है ये नेटवर्थ क्रॉस हो रही है फेज वन में ही तो बताइए ये कौन से फेज में कवर है ये फेज वन में कवर है

अपने पास अब आप लोगों ने फोटो खींचनी है तो खींच लो क्योंकि मेरे पास फिर उसकी किताब जो है ना अब चेंज हो जाएगी <coughs> तो तो मैं मैं किताब अपने पास उठा लू। <coughs> तो मैं इसका आंसर लिखूंगा फटाफट से फोटो खींचनी है तो फोटो खींच लो अर्निक कह रहे हैं मैं फोटो खींच रहा हूं फटाफट से हार्निक फोटो खींच ले क्योंकि अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा ठीक है तो मेरे पास तो बुक होगी मैं बुक से देख लूंगा आपकी किताबें दो तीन दिन में आ जाएंगी तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी पे आ जाए ठीक है लिखेंगे मेरे साथ साथ आपके एग्जाम में भी कैसे ही लिखना है आपने द आंसर इज यस इसके अंदर ना मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है क्या मैं एक मिनट लगा सकता हूं इस पर मुझे अपने पास ना इसको चेंज करना है बस अब ये लो अब आपको ना देखने में आसानी लगेगी ठीक है <coughs> उसकी जो है ना साइज मैंने इंस्टीट्यूट के बराबर कर दिया वो इंस्टीट्यूट के बराबर पहले नहीं आ रहा था क्या एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन करना है तो बताओ कहा लिखा जाएगा सॉल्यूशन नंबर वन तो एग्जाम में भी आपको आंसर बुक जो मिलेगी ना क्या ये वाला एरिया यूज करना चाहिए द आंसर इज नो आपको हमेशा अपने पास नंबर कहां लिखना है इधर लिखना है <coughs> तो सॉल्यूशन नंबर वन तो मैं अब इसके अंदर आंसर लिखूंगा फटाफट -फड़ से मुझे बताओ हमारे पास सबसे पहले <coughs> हमें क्या करना चाहिए उसने पूछा है फेज वन का तो आपका आंसर क्या होगा एस पर मुझे बताओ कौन अप्लाई हुआ है कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 <coughs> क्या हमारे पास पहले जो आंसर दिया जाएगा उसमें अपने पास हम फैक्ट्स लिखेंगे अपने पास जो आपका रूल है क्या वो लिखा जाएगा द आंसर यस हम पहले यही लिखेंगे ठीक है <coughs> तो लिखेंगे <coughs> वेन Any company qualifies किसके फेज के बारे में आंसर देना चाहिए फटाफट फड़ से बताओ हमारे लिए फेज वन रेलिवेंट है तो फेज वन ही बताओगे फालतू तो बताने की जरूरत नहीं है क्वालिफाइज एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन देन बताइए जी क्या करेंगे देन अप्लाई इन डेस ऑन सच कंपनी कॉल्ड फेज वन अब मुझे फटाफट -फ़्ट से बताओ कौन सा केस हो गया नंबर वन ऑल लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ अंडर टू सबसेक्शन फिफ्टी सेवन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ मोर ऑब्लिक इक्वल टू दो सौ पचास करोड़ ठीक है ये लिख दिया और दूसरा कौन सा हो गया Any voluntary options taken by company मुझे फटाफट से अब ये बताओ इस गिवन केस में क्या होगा <coughs> अच्छा मैंने सॉरी गलत लिख दिया मैंने आज का रूल लिख दिया ये फेज वन की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पर कौन सा रूल लिखना है मुझे रूल लिखना है ये 500 करोड़ इन द गिवन केस फटाफट से बताओ कंपनी ए हैज नेटवर्थ ऑफ रुपीस फाइव जीरो फाइव करोड़ तो यहां पर अब निकालो कैसे निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस वन सिक्सटी करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम दो सौ करोड़ जनरल रिजर्व रुपीज एक सौ पचास करोड़ पी एंड एल अकाउंट रुपीज सेवेंटी फाइव करोड़ माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर हाँ हा नहीं 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 खुशी मेरे से गलती हुई थी इस बार दिस इज एटी करोड़ तो मुझे फटाफट फड़ से बताओ ये टोटल कितना हो गया फाइव जीरो फाइव करोड़ <coughs> मुझे फटाफट फड़ से अब ये बताओ सिंस कंपनी ए ज क्रॉस्ड रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ लिमिट्स इट विल अप्लाई इंडियस अंडर फेज वन क्या एग्जाम में इसे अंडरलाइन कर देना चाहिए <coughs> क्योंकि ये उसका मेन सॉल्यूशन हो गया कि वो फेस जानना चाह रहा है मुझे ये बताओ इसके बाद हमको और क्या बताना है योर आंसर चेंज तो आप क्या लिखेंगे बी इन केस कंपनी ए इज अनलिस्टेड स्टिल इट विल बी covered under phase वन क्या अभी भी फेज वन में कवर होगा बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ लिमिट मुझे फटाफट फड़ से बताएं क्या हम आगे चल सकते हैं <coughs> फटाफट से बताएं क्या ये जो मैंने लिखा है ये भी आपको मिल जाएगा जो ये मैंने लिखे हुए आंसर से हैं क्या ये भी आपको मिल जाएंगे द आंसर इज यस आगे मुझे बताइए फटाफट से मैं अब आगे चलना चाहता हूं और मैं अपने पास अगले क्वेश्चन पर आऊंगा <coughs> ये उनका आंसर था तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी आपको क्वेश्चन टू पढ़िए <coughs> फटाफट से पढ़ेंगे क्वेश्चन टू अस से इन क्वेश्चन वन द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेगेटिव थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव करोड़ कोई दिक्कत कह रहा मान लो हा बिल्कुल ठीक तो मैंने कहा ये हमने पीएनएल अकाउंट नेगेटिव है व्हेन एंड एएस शुड बी एप्लीकेबल टू कंपनी ए विल योर आंसर चेंज इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी तैयार है जी आंसर देने के लिए यानी वो कहते हैं इसको 375 करोड़ नेगेटिव कर दो और अब दोबारा आंसर बताओ फटाफट -फड़ से बताना नेटवर्थ कितनी हो जाएगी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी उस क्वेश्चन के अंदर आपने ऑलरेडी निकाला था ना इक्विटी शेयर कैपिटल 160 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम 200 करोड़ <coughs> जनरल रिजर्व <दिसाव। coughs> जनरल रिजर्व कितना 150 करोड़ रिवैल रिजर्व लेना नहीं पी एल अकाउंट को कितना लेना है PNL को नेगेटिव लेना है सेवेंटी फाइव करोड़ और इसके अलावा एटी की तो नेगेटिव फिगर है ही है मुझे बताओ ये टोटल कितना आ गया दिस इज इक्वल टू कुछ बच्चे कह रहे हैं पचपन एक बच्चा कह रहा है 130 तो 155 सिर्फ 55 इज ज्यादा आंसर तो 55 करोड़ अब मुझे यह बताओ 55 करोड़ की नेटवर्थ है तो मुझे यह बताओ यह कंपनी नंबर वन फेज वन में अगर आएगी तो क्या यह लिस्टेड अनलिस्टेड लिस्टेड अनलिस्टेड जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है क्वालिफाई कर रही है फटाफट -फड़ से बताओ <coughs> क्या यह क्वालिफाई कर रही है द आंसर इज नो तो इसका मतलब और ये वॉलेंटरी तो वैसे ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये फेज से क्या हो गई फेज वन से बाहर हो गई अब मुझे बताओ ये फिर फेज दो में आगे चेक करते हैं फेज में क्या ऑल लिस्टेड कंपनीज आ जाएंगी फटाफट से बताओ क्या फेज दो में ऑल लिस्टेड कंपनीज आ जाएंगी हाँ और मुझे ये बताओ जिन कंपनीज के अंदर भी अनलिस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है ढाई सौ करोड़ वो भी आ जाएंगी अब मुझे बताओ पचपन करोड़ ढाई सौ करोड़ वाले केस में तो कवर नहीं होता लेकिन कंपनी वही है पुरानी वाली लिस्टेड तो मुझे फटाफट -फड़ से बताइए क्या ये फेज टू में आ गई ये फेज टू में आ गई तो दिस कंपनी इज कवर्ड बाय फेज टू फेज टू में ये कंपनी अपने पास इंडियस एस कब अप्लाई करेगी फेज टू में कंपनी अपने इंडियस कब अप्लाई करेगी एक अप्रैल 2017 से अप्लाई कर देगी ओके अच्छा अगर ये कंपनी अनलिस्टेड है फिर क्या होगा फटाफट फड़ से बताओ अगर ये कंपनी अनलिस्टेड है तो क्या आप अपने पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बताओ फिर कौन सा केस हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपर इंडिया होंगे ही नहीं <coughs> क्या बाकी का, का काम कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है तो फिगर्स चेंज है तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस यहीं तक कर रहा हूं चल सकते आगे क्वेश्चन थ्री पर आ जाओ द नेटवर्थ ऑफ कंपनी बी एन अनलिस्टेड कंपनी वॉज सिक्स हंड्रेड करोड़ ऑन दिस डेट्स सारे बच्चे बताओ नेटवर्थ कितनी है छह सौ करोड़ हा वि ड्यू टू लॉसेज इनकड इन चौदह पंद्रह द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी वॉज चार सो करोड़ ऑन दिस डेट्स मुझे फटाफट -फड़ से ये बताओ 2014 में इसकी नेटवर्थ थी 600 करोड़ लेकिन 2015 में इसकी नेटवर्थ कितनी हो गई है उसकी नेटवर्थ हो गई है 400 करोड़ ये किस में कवर होगी फेज वन में कवर होगी या फेज टू में कवर होगी आपको कब से देखना होता है आपको कब से देखना है आपकी कट ऑफ डेट कौन सी है आपको देखनी है 31 मार्च 2014 से कभी भी क्या आप पांच करोड़ पार कर गए फटाफट फड़ से बताओ फेज वन में पांच करोड़ पार कर गए द आंसर इज यस तो मुझे फटाफट फड़ से बताओ क्या यह कंपनी अपने पास एक चार 2016 से अपने स्टैंडर्ड अप्लाई कर देगी द आंसर इज यस दिस विल स्टार्ट अप्लाइंग इट स्टैंडर्ड 2015. हजार नहीं खुशी वो नोट सब चेक करेंगे फिर से आप अपने पास ये कब से स्टार्ट करेंगे चेक करना 2014 से ओके 2014 ऑनवर्ड हर 31 मार्च को चेक करेंगे कभी भी आपके पास अगर वो लिमिट ब्रीच हो गई तो आप कवर हो गए ओके द डेट स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2014 याद रखना हो तो समझ लेना 2014 में मोदी जी आए थे इतने से ध्यान रहेगा ओके द नेटवर्थ of company C an unlisted company was 400 crore on this date. However, the net worth was 600 crore on this date. फटाफट फड़ से बताइए कब से India supply करने हैं? Date पढ़ें 2014 में कितनी थी 31 मार्च को 400 करोड़ 2015 में क्या हो गई है 600 करोड़ क्या आप अपने पास <coughs> 2014 के बाद 31 तारीख को ही आपने लिमिट ब्रीच कर ली तो एंड एयस हमारे पास कब से अप्लाई हो जाएंगे फेज वन फेज वन में एंड एयर्स कब से अप्लाई होंगे एक चार दो हजार सोलह मुनमुन हमारे पास 2015 में सिर्फ कुछ लोगों को ही अलाउ किया गया था बताओ 2015 में अगर, अगर अप्लाई करना है अगर आप एक चार 2015 से करना है वो सिर्फ वॉलेंटरी है वो सिर्फ कौन सा है वॉलेंटरी है वरना एक्चुअली मैंडेट करने के अगर डेट बोले तो 2016 से ही शुरू हुए हैं ओके okay? 2016 में लिमिट लगा रखी है कि यहां कभी भी क्रॉस हो जाए इधर हो जाए या इधर हो जाए आप यहां से इंडिया से अप्लाई कर देंगे ओके चौदह के बाद सॉरी <coughs> 2000 क्वेश्चन नंबर पांच कंपनी डी इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ए कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ सिक्सटी करोड़ ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौदह फॉलोइंग आर दी अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप मुझे फटाफट फड़ से बताइए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कंपनी डी इज अ पेरेंट डी इज अ पेरेंट ऑफ कंपनी ए कोई दिक्कत तो नहीं फिर उसके बाद कंपनी ए बेसिकली अनलिस्टेड है जिसकी नेटवर्थ कितनी है साठ करोड़ फॉलोइंग अदर कंपनीज ऑफ दी ग्रुप कंपनी बी इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए लो भाई इसकी भी सब्सिडरी है जिसकी नेटवर्थ कितनी है जिसकी नेटवर्थ 600 करोड़ है ऋषभ बेटा एंड एस हमारे पास वो चार्ट मैंने रब कर दिया ना एंड एस ए फर्स्ट फेज कब से चालू हुआ एक बार चेक करके मुझे बताओ फेज वन चालू कब हुआ 2015 से हुआ कि 2016 से हुआ प्लीज चेक द नोट्स एंड टेल मी अभी आपने क्या लिखा वो 2016 से फेज आया जिसमें आपको कट ऑफ डेट कौन सी दी गई है 2014 से देखना शुरू कर दो 2015 को भी इंडिया सप्लाई होने की डेट है बट वो किन के लिए है वो वॉलेंटरी वहां से शुरू हो गया अच्छा वॉलेंटरी उसके वहां से शुरू हो गया आगे भी होगा आगे वॉलेंटरी आज भी हो सकता है ओके अगर किसी पे नहीं हुआ तो आज भी हो सकता है ओके अच्छा आप इस मुद्दे पर आओ वापिस <coughs> तो कंपनी बी की नेटवर्थ इतनी है और कंपनी सी भी है फटाफट फड़ से बताओ कंपनी सी भी है बताओ कंपनी सी की नेटवर्थ कितनी है 150 करोड़ ये बताओ <coughs> वेदर एंड एस विल बी एप्लीकेबल टू ए बी सी क्या एंड एस एबीसी पर अप्लाई होंगे बल्कि मैं तो कहता हूं डी पर भी क्या अप्लाई होंगे डी उसने पता नहीं क्यों नहीं पूछा डी पर भी तो पूछना चाहिए था जल्दी से बताइए क्या बी ने लिमिट ब्रीच कर दी है क्या इसने लिमिट लगा दी तो इसका मतलब इस पर अप्लाई हो गए अगर इस पर अप्लाई हो गए तो क्या इसकी सब्सिडी पर भी अप्लाई हो गए द आंसर इज यस तो क्या इसके पेरेंट पर भी अप्लाई हो गए द आंसर इज यस क्या मेंडेटरी है करने ही पड़ेंगे क्या है करना ही पड़ेंगे हाँ अगर एक पर भी लग गए तो क्या पूरे ग्रुप पर लग जाएंगे द आंसर इज यस उसने क्वेश्चन किसका पूछा है एबीसी का क्या एबीसी तीनों पर अप्लाई हो जाएंगे स्टैंडर्ड द आंसर इज यस ओके चल सकते हैं आगे मतलब इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज दे आर वेरी एलिमेंट्री नेचर फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी डी कंपनी का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें क्या है जिसमें उन्होंने लिखा कि दो कंपनीज हैं इनकी कंपनी ई e एंड कंपनी एच ये दो सब्सिडरीज हैं <coughs> और इसके बाद ये लाइन ना आपको दिख नहीं रही है तो मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है तो उसने कहा कि इसकी आगे सब्सिडरी है एफ और इसकी इसकी एसोसिएट है जी और इसकी सब्सिडरी है आई ओके ऑल दी कंपनीज इन अबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड कंपनीज इन द नेटवर्थ ऑफ कंपनी ई कंपनी ई कहां पर है ये रही इसकी नेटवर्थ है 300 करोड़ ए नेटवर्थ ऑफ ऑल अदर कंपनीज इज बिलो 250 करोड़ टू विच कंपनी वुड एप्लीकेबल क्या क्वेश्चन क्लियर है मुझे फटाफट -फड़ से बताओ किस कंपनी ने लिमिट ब्रीच की है किस कंपनी ने लिमिट ब्रीच की है <coughs> इसने ब्रीच की है तो इस पर तो इंडियास ही गए जिसने लिमिट ब्रीच कर दी क्या इस पर तो लग ही गए इस पर तो इंडिया लग गए क्या इसकी सब्सिडरीज पर भी इंडिया लगेंगे हा क्या इसकी एसोसिएट्स पर भी इंडिया लगेंगे द आंसर इज हा क्या इसके पेरेंट पर भी इंडियास लगेंगे द आंसर इज हा क्या प्रैक्टिकली क्या प्रैक्टिकली हमारे पास कंपनी एच पर भी लगेंगे प्रैक्टिकली द आंसर इज यस पर हमारा इंस्टीट्यूट इसमें क्या बोलता है कि नहीं नहीं एच पर अप्लाई नहीं होगा वो बोलता है एच पर अप्लाई नहीं होगा <coughs> मैं आपको तो इंस्टीट्यूट का आंसर देने ना और अगर एच पे नहीं होगा तो क्या आई पे होगा फटाफट से बताओ <coughs> तो क्या आई पर होगा आई पर भी नहीं होगा लेकिन मुझे यह बताओ क्या एच और आई को अपने पेरेंट को डाटा देना पड़ेगा फटाफट से बताओ <coughs> क्या एच और आई को अपने अल्टीमेट पेरेंट को डाटा देना पड़ेगा फटाफट से बताओ अगर ये लगा रही है एंड एस ये लगा रहे हैं ए एस तो ये डेटा कौन सा भेजेंगे ये एज पर इन एस भेजेंगे तो जाकर वो कंसोलिडेशन कर सकता है <coughs> क्या आपको मेरी बात समझ में आती है हा <coughs> तो आइए हम अपने पास इसका आंसर लिखवा देते हैं क्या मैं इसका आंसर लिखा दू फटाफट से बताइए क्वेश्चन सिक्स तो हम इसका आंसर लिखवा रहे हैं ओके <coughs> तो हम कुछ कुछ आंसर लिखवाते रहेंगे जहां जहां हमें लगता होगा कि नीड है या आप मुझे कहेंगे कि आंसर लिखा दो तो हम आंसर लिखवा देंगे आंसर फ्रेश पेज से शुरू करूंगा मैं सॉल्यूशन ये तो रेड पेन आ गया सिक्स सबसे पहले क्या लिखोगे प्रथम सबसे पहले क्या लिखोगे एज पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 पहले पैरा में क्या ज्ञान की बात बतानी है आपने बताओ ज्ञान में क्या बताओगे किसके बारे में बताओगे इस सवाल में किस बात का झगड़ा है इसमें किस बारे में बात करनी है उसने कहा जी एक कंपनी की नेटवर्थ कितनी है 600 करोड़ तो आपको बताना यह है कि भाई अगर एक कंपनी की नेटवर्क ब्रीच हो जाती है तो उस पर तो इंडियस लगते ही हैं और किस किस पे लगते हैं बताना है है समझ में आ रही बात बात यही बनेगी ना बात के नहीं आंसर दो मुझको कि अगर मान लो एक कंपनी इंडियस लगा रही है तो क्या उसके ऊपर पेरेंट भी अप्लाई करेगा और सब्सिडरी भी अप्लाई करेगा क्या इसमें इंस्टीट्यूट का आंसर देने की वजह से फेलो सब्सिडरी की चर्चा होनी चाहिए वैसे मैं ना करता लेकिन यहां चूंकि रेलेवेंट है तो मैं फेलो सब्सिडरी की बात भी करूंगा तो आप अपने पास ज्ञान में क्या लिखोगे आप यहां फैमिली के बारे में बताओगे कि फैमिली में कौन कौन आता है और साथ में आप फेलो सब्सिडरी के बारे में भी बताओगे मुझे बताइए अगर पता हो मुझे इसके बारे में लिखना है तो क्या अपने शब्दों में नहीं लिख सकते अगर पता है कि इसके बारे में लिखना है तो अपने शब्दों में लिखो अब अपना आंसर लिखना शुरू करो वेन एवर एनी कंपनी अप्लाइज इन सिंस द कंपनी क्वालिफाइड लिमिट

फुल फैमिली मीन्स पहले पेरेंट ऑफ एंटिटी दूसरा सबसिडरी ऑफ एंटिटी तीसरा एसोसिएट ऑफ एंटिटी चौथा ज्वाइंट वेंचर ऑफ एंटिटी बट डू नॉट इंक्लूड फेलो सब्सिडरी बेस्ड ऑन आईसीए क्लैरिफिकेशन क्या इंस्टीट्यूट ने यह क्लैरिफिकेशन दी थी जब इंडिया आए थे वो अभी भी क्लैरिफिकेशन पड़ी हुई है इस वजह से हमको ये आंसर ये लिखना पड़ता है <coughs> तो मुझे फटाफट से बताओ इन द गिवन केस क्या लिखो इन द गिवन केस कंपनी ई ज क्वालिफाइड लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंडिया उसने लिमिट क्वालिफाई कर ली है इट्स <coughs> सब्सिड्री बताओ उसकी सब्सिडरी कौन है एफ विल ऑल्सो अप्लाई इंडियस सिमिलरली एसोसिएट जी एंड पेरेंट डी विल ऑल्सो अप्लाई इंडियस अब मैं किसके बारे में बात करूंगा फटाफट फड़ से बताओ <coughs> मैं अब किसके बारे में बात करूंगा कंपनी <coughs> एच के बारे में कंपनी एच एंड कंपनी आई आर नॉट सब्सिडरीज एसोसिएट पेरेंट ऑफ कंपनी ई वो नहीं है हेंस दीज विल नॉट अप्लाई इन डेस फॉर दीज विल प्रोवाइड क्या ये प्रोवाइड करेंगी डेटा एज पर एंडेस टू कंपनी डी फॉर इट्स कंसोलिडेशन क्या आपको आंसर लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे फटाफट से बताओ आप आंसर लिखोगे ना तो आपको आदत पड़ेगी तो आपको मेरे साथ साथ ना अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है कि हम आंसर लिखेंगे फायदा होगा आपको इसके अंदर ठीक है ये प्री प्रिंटेड अगर मैं आपको दे दूंगा वैसे किताब में ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है तो मुझे नहीं लगता आपको इसका ज्यादा फायदा होता है तो ये आंसर है कितने नंबर का आंसर है ये ये कितने नंबर का आंसर है दिस इज अ फाइव मार्क्स तो आपके एग्जाम में आपका रजिस्टर जो भरना चाहिए ये नहीं रजिस्टर का पूरा पेज है क्या आपको आइडिया लग पा रहा है इतने वर्ड ये तकरीबन हंड्रेड वर्ड होंगे 80 टू 100 वर्ड्स ठीक है अगर आप गिनेंगे तो 100 टू 80 वर्ड्स होंगे दिस इज लेंथ इनका तो आ, कुछ भी आंसर लंबा चौड़ा हो जाता है <coughs> आ, खुशी ने कहा आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया था तो फिर इन रियल लाइफ सिस्टर कंसर्न को क्यों अप्लाई होगा इंडिया खुशी वो मैंडेटरी नहीं है क्लैरिफिकेशन तो जब ये आए थे उस समय बड़ी कंफ्यूजन थी तो उस कंफ्यूजन में कंपनीज ने पूछना शुरू किया तो उन्होंने क्लैरिफाई करा और क्लैरिफिकेशन डाल दी वहां पर तो बट इन रियलिटी आज की डेट में वो नहीं है बिकॉज अगर पेरेंट करेगी तो को करना पड़ता है एक बार क्या मैं आगे चल सकता हूं फटाफट -फड़ से बताओ बट दो ही क्वेश्चन और बचे हैं सेवेंथ एंड एट जल्दी से बताएं क्या हम आगे चल सकते हैं प्रथम कह रहे हैं एक मिनट रुको

नॉट अप्लाई days. दीज विल नॉट अप्लाई तो मैंने हेंस दो जगह लिखा है ओके okay? <coughs> चलिए जी अब मेरे साथ साथ आओ और हम अपने पास अब <coughs> अगले मुद्दे पर <पराएं>. आए <coughs> तो आप इनके आंसर्स पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है हमने डिस्कस कर लिया आप इसको पढ़ भी सकते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे आओ अ कंपनी इन कॉरपोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री हैज अ नेटवर्थ ऑफ सेवन हंड्रेड करोड़ सारे बच्चे बताओ एबीसी कंपनी की नेटवर्थ है सात सौ करोड़ भूल मत जाना ये कौन सी जगह पर है ये कहां पर है फॉरेन में है इट हैज टू सब्सिडरीज कंपनी एक्स हुज नेटवर्थ इज 600 करोड़ इसकी एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ है 600 करोड़ एंड कंपनी वाई हुज नेटवर्थ इज डेढ़ सो करोड़ नेटवर्थ इज डेढ़ सो करोड़ वेदर कंपनी एक्स एंड वाई विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो एंड एस फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन the basis of ऑन द बेसिस ऑफ or ओन नेटवर्थ और बेसिस ऑफ द नेटवर्थ ऑफ एबीसी फटाफट से मुझे बताओ <coughs> अब ये फॉरेन की कंपनी है अब ये फॉरेन की कंपनी है मुझे पहले ये बताएंगे आप क्या एक्स कंपनी पर इंडिया सप्लाई हो जाएंगे क्या एक्स कंपनी पे इंडिया अप्लाई हो जाएंगे द आंसर इज यस क्या ड्यू टू दिस रीजन फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होंगे क्या फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होंगे द आंसर इज नो अगर पेरेंट पे अप्लाई नहीं हुए तो क्या वाई पे अप्लाई होंगे तो क्या वाई पे अप्लाई होंगे द आंसर इज नो जब पेरेंट पे ही नहीं हुए तो सब्सिडरी पे कैसे हो जाएंगे तो क्या अल्टीमेटली इंडिया सिर्फ किस पर अप्लाई होंगे फटाफट से बताओ इंडिया सिर्फ किस पर अप्लाई होंगे एक चार सोलह से एक्स लिमिटेड पर अप्लाई होंगे फॉरेन कंपनी पर और वाई पर अप्लाई नहीं होंगे क्या एक्स लिमिटेड फॉरेन कंपनी को वो डेटा प्रोवाइड करेगी जो उसको फॉरेन में कंसोलिडेशन के लिए चाहिए वो डेटा प्रोवाइड करेगी वो हमारे एरिया से डिस्कस होना चाहिए कि नहीं वो तो फॉरेन कंपनी है पता नहीं कहां की है कौन से रूल अप्लाई होते हैं वो वहां के लोग जानेंगे हमें थोड़ा ना बात करनी है उसकी देयरफॉर हमारा आंसर है कि एक्स पर अप्लाई होगा बाकी दोनों पर अप्लाई नहीं होगा चल सकते हैं आगे तो ये सिंपल क्वेश्चन था एज पर रोड मैप इंडियस इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम द ईयर सत्रह अठारह कंपनी एक्स नॉन फाइनेंस कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई कंपनी वाई इज अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 400 करोड़ व्हाट विल बी दी डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडिया फॉर कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई तो मुझे फटाफट से बताओ एक कंपनी है एक्स और कंपनी एक्स सब्सिडरी है किसकी सब्सिडरी है एनबीएफसी की है कंपनी वाई जो है ये एक अनलिस्टेड है और वो कह रहा है उसकी नेटवर्थ कितनी है उसकी नेटवर्थ है 400 करोड़ <coughs> मुझे ये बताओ एनबीएफसी पर एनडीएस कब से आएंगे एनबीएफसी पर इंडियस कब से आएंगे वैसे ये पूछना नहीं चाहिए था इंस्टीट्यूट को सवाल क्योंकि एनबीएफसी आपके कोर्स में नहीं है तो मुझे बताइए एनबीएफसी में इंडियस कब से आएंगे दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन फोर ट्वेंटी दो हजार अठारह से आए कौन से आए वही पुराने रूल्स लिस्टेड अनलिस्टेड जिनकी नेटवर्थ पांच सौ करोड़ से ऊपर है वो वाले आए तो एक चार दो हजार अठारह को आया था तो क्या ये मेरे पास इसमें कवर होगा द आंसर इज नो तो फटाफट से बताओ ये, ये कौन से फेज में जाएगा स्टार्ट फ्रॉम वन फोर ट्वेंटी और मुझे बताओ उसकी सब्सिडरी पर भी ये कब से अप्लाई हो जाएंगे then how will the consolidated statements of parent NBFC be prepared ये पता क्या क्वेश्चन पूछ रहा है <coughs> ये पूछ रहा है कि मान लो ये NBFC है <coughs> मान लो ये एनबीएफसी है कह रहा है ये लेटर ऑन लगाएगी इंडियस और सब्सिडरी पर पहले लग गए हैं इंडियस तो कहता है अब कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को बताओ एक लाइन में आंसर देना है ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि उसने उसका सब पार्ट बनाकर पूछा है कह रहा है एनबीएफसी पर अगर लेटर ऑन इंडियस लग रहे हैं सब्सिडरी पर अभी लग रहे हैं तो क्या होगा इट विल प्रोवाइड डेटा एज पर इंडियस उंटिंग स्टैंडर्ड नो दी एफ सी कैन कॉन्सोलीट वो एज पर एस डेटा देगी ताकि वो अपने पास कॉन्सॉलिडेट कर सके वंस इस पर भी अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हालांकि मुझे यह क्वेश्चन इनरेलीवेंट हिस्ट्री लगते हैं क्योंकि एक पहली बात तो एनबीएफसी नंबर टू ये हिस्टोरिकल डेटा है दो हजार अठारह उन्नीस में क्या हुआ आज की डेट में तो क्या एनबीएफसी पर इंडियस लग चुके हैं तो आज की डेट में ये क्वेश्चन इनरेलीवेंट हो जाते हैं फिर भी क्योंकि हिस्टोरिकली पूछे जा सकते हैं तो इसलिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन कराया मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं क्या करवा सकता हूं कि नहीं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं पहली बात तो ये ये कंपाइलर में जो इंस्टीट्यूट के रीसेंट क्वेश्चन का ट्रेंड है ये वो है सिर्फ इकलौता क्वेश्चन है एमटीपी 2024 का एमटीपी 2024 का यानी कि अभी आया क्वेश्चन मार्च 2024 में मेरे पास ये इसका सॉफ्ट कॉपी यहां पर नहीं है तो एक बार कैमरे से पकड़ोगे क्या which entities are required to prepare financial statements mandatorily on the basis of India's? क्या इसमें कोई phase 1 phase 2 की बात कर रहे हैं कि कह रहा है बताओ किन पर India's लगने जरूरी हैं 2024 mtp 4 नंबर फटाफट फड़ से बताओ क्या होगा इसका आंसर क्या आज की डेट में ऑल लिस्टेड कंपनियों पर ये indas अप्लाई होते हैं आज की डेट में ऑल पर अप्लाई हो रहे हैं क्या अनलिस्टेड कंपनियों पर भी आज फोकस ठीक नहीं है क्या अनलिस्टेड कंपनियों पर भी इंस्टीट्यूट भी yes. है, अब ये है तो ने लिखा हुआ है पांच सौ करोड़ क्या ये लिमिट बदल चुकी है नाउ द लिमिट इज दो सौ पचास करोड़ तो अब क्या है ना आप अपने पास इसके अंदर करेक्शन लगा लेंगे बट इंस्टीट्यूट का आंसर ये है तो इसके अंदर आपका आंसर कितना है आपका आंसर है 250 करोड़ तो घबराएंगे नहीं ये इंस्टीट्यूट के साथ आपको बहुत बार ऐसा सामना करने को मिलेगा कि ये गड़बड़े करते हैं तो इग्नोर करना और चुपचाप सवाल को ठीक करते रहना क्या इनके पूरे परिवार पर इंडिया अप्लाई होंगे हाँ आज की डेट में क्या सारे एनबीएफ भी हैं हाँ क्या कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी अप्लाई हो गए हैं कुछ म्यूचुअल फंड स्कीमों पर भी अप्लाई हो गए हैं जो कि मैंने आपको लिखवाए थे कौन से हैं अनूप कह रहा है एग्जाम में क्या लिखना है एग्जाम में 250 ही लिखेंगे यानी इनकी बेवकूफी पर इग्नोर करो और आगे चलो ओके यहां आपको कोई फेज वन की कथा नहीं पूछ रहा था तो यहां वो कौन पूछ रहा था यहां वो पूछ रहा था आपके पास और वैसे भी देखो ऑल लिस्टेड और अनलिस्टेड को अलग कर दिया वो तो फेज टू में पूछा, पूछा हुआ है तो ये 250 करोड़ का सवाल है लेकिन उसने उठा करके 500 करोड़ लिख दिया बिकॉज ये कॉपी पेस्ट करते हैं क्या ये एमसीक्यूज़ क्यूज किताब के पीछे <coughs> क्या आप ये अकेले करेंगे ये एमसी क्यूज है अगर दिक्कत आएगी तो मुझसे क्वेरीज़ में पूछना कि सर ये इसका आंसर बता दो ओके तो यानी कि ये एमसीक्यूज़ क्यूज है यानी सात एमसीक्यू क्यू है क्यू के आंसर भी है बट आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और भी करा रहा हूं मेरा अगला टॉपिक है शेड्यूल थ्री का अगला टॉपिक किसका है शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ेंगे शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो आ जाओ शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स पर जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूं दिखाओ आज का आखिरी क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है ये क्वेश्चन का सोर्स है आरटीपी टी 2022 मे ओके प्लीज लिसन अब पॉइंट वही है क्या होता है ना <coughs> ये क्वेश्चन छोड़ जाओ भाई कई बच्चे कहते हैं फालतू क्वेश्चन बहुत कराते हैं ये छोड़ जाओ अगर आप में हिम्मत है तो छोड़ जाओ भगवान के पास मंदिर मत्था टेकते रहो टिक हमारे पास आप करेंगे तो सब क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स तैयार हो जाए फ्रेश वेजिटेबल्स लिमिटेड वॉज इन कारपोरेटेड ऑन सेकेंड अप्रैल दो हजार एक अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी टू कैरी ऑन द होल सेल ट्रेडिंग बिजनेस इन वेजिटेबल्स मुझे बताओ क्या यह इंडियन कंपनी है या बाहर की कंपनी है यह एक इंडियन कंपनी है एज पर दाउंट फॉर द इंडेड दो हजार सात अप्रूवड इन दर्नरल मीटिंग हेल्ड ऑन दो हजार सात इट्स नेटवर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इन कॉरपोरेशन 250 दो सौ पचास करोड़ समझ में आ गई बात फटाफट से बताओ कौन सी डेट को कौन से इकतीस मार्च को इसने लिमिट क्रॉस कर ली इसने इकतीस मार्च 2007 को लिमिट क्रॉस कर ली तो मुझे बताइए अगर यहां तक की बात पूछूं तो इस पर इंडियस कब से अप्लाई होंगे इस पर इंडियस कब से अप्लाई होंगे <coughs> तो डेट बताओ अब ये 2007 है तो मतलब 2007 नहीं बोलना है मुन, -मुन? ये 2007 मतलब ये आपके लिए एक्स एक्स सेवन है ओके तो आप इसको एक्स के हिसाब से आंसर देंगे तो इसका आंसर होगा वन फोर एक्स सेवन यहां से अप्लाई हो जाएंगे <coughs> अभिषेक क्या आपका आंसर गलत है गलत कैसे आया आंसर आपका फटाफट से बताओ अभिषेक 2016 आप बीच में ला कहां से रहे हैं अनूप कह रहा है, 2017 जब आपका क्वेश्चन x1 x2 बोल रहा है तो आपको मालूम है इसका x का क्या मतलब होता है क्या इसका मतलब 2021 भी हो सकता है 2031 भी हो सकता है 2001 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मैं 2007 बोलूं दैट डज नॉट मीन वो 2007 है मैं उसको एक्स को जीरो बार बार बोलने में दिक्कत है तो मैं एक्स वर्ड नहीं बोलता हूं ओके आई डोंट स्पीक वर्ड एक्स एवरी टाइम तो वी कॉल इट जीरो सेवन मुझे फटाफट फड़ से बताओ अगर इस डेट को हमारे पास लिमिट ब्रीच हुई है तो अप्लाई कब से हो जाएंगे स्टैंडर्ड फटाफट फड़ से बताओ अप्लाई कब से हो जाएंगे इस डेट से अप्लाई हो जाएंगे अभिषेक अर्निक क्या आपके आंसर अब ठीक हो गए यानी इस पर हमारे पास अप्लाई हो जाएंगे आगे पढ़ो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन टिल ईयर 2006 वर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 ये कौन से रूल्स हैं एएस इट हैज बीन एडवाइज देंस फोर्थ इट शुड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनी पंद्रह अभी तक क्या मरियल क्वेश्चन नहीं है अभी तक का क्वेश्चन क्या मरियल नहीं है बिल्कुल मरियल क्वेश्चन है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई द कंपनी कुछ और भी बताया उसने एफ बी एल इन द फाइनेंशियल ईयर दो हजार दो तीन एंटर सिक्सटी फोर्टी पार्टनरशिप विद लॉजिस्टिक्स लिमिटेड क्या इसने एक पार्टनरशिप कर ली हा एंड इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म वेजिटेबल्स लॉजिस्टिक्स एसोसिएट टू कैरी ऑन द लॉजिस्टिक्स बिजनेस ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम फॉर्म टू मार्केट ओके ये इशारा दे रहा है क्या आपके पास कोई पार्टनरशिप फॉर्म है हा इससे पहले कि यह मुझे बताए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या उस पार्टनरशिप फॉर्म पर भी इंडिया सप्लाई yes होंगे यस और नो क्या उस पार्टनरशिप फॉर्म पर भी एंड अप्लाई yes होंगे और yes नो no. क्या पार्टनरशिप इन द नेचर ऑफ वेंचर हो तो अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर हो तो क्या अप्लाई होंगे द आंसर इज यस अगर ये इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर ना हो तो अप्लाई नहीं होंगे अब देखना यह है कि इसकी लैंग्वेज से अभी तक क्या क्या इशारे मिल रहे हैं मुझे बताओ क्या अभी तक मुझे एक चीज तो पता चल रही है इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म इसका मतलब क्या उन्होंने स्ट्रक्चर तो बनाया है फटाफट से बताओ उन्होंने स्ट्रक्चर तो बनाया है ना इसका स्ट्रक्चर आगे पढ़ो एफ बी एल हैज ऑल्सो एन एसोसिएट कंपनी सोशल वेलफेयर लिमिटेड एक एसोसिएट कंपनी भी है दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई एज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन एट कंपनीज कोई दिक्कत तो नहीं यानी एक उसके पास और भी कंपनी है जो उसकी एसोसिएट है <coughs> फटाफट से मुझे बताओ एक एसोसिएट भी है मुझे ये बताओ उस एसोसिएट को वो कह रहा है वो सेक्शन 8 की कंपनी है इससे कोई फर्क पड़ता है आपको क्या वो सेक्शन आठ की कंपनी हो आपको फर्क पड़ता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है सोशल सोशल वेलफेयर हैज एसोसिएट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एग्जामिन इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंडस मुझे पहले तो आप आंसर देंगे बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग मुझे पहले आप आंसर देंगे हमारी कंपनी पर क्या इंडिया कौन सी डेट से अप्लाई हो जाएंगे प्लीज टेल मी हमारी कंपनी पर ये इंडिया कौन सी डेट से अप्लाई हो जाएंगे वन फोर एक्स सेवन से अप्लाई हो जाएंगे नंबर दो क्या पार्टनरशिप फॉर्म और एसोसिएट पर भी अप्लाई हो जाएंगे द आंसर इज यस प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई द मीनिंग्स ऑफ एसोसिएट एज वेल एज दे क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स तो ज्ञान की बातों में क्या यही लिखना पड़ेगा मुझे फटाफट फड़ से बताओ ज्ञान की बातों में यही लिखना पड़ेगा द आंसर इज यस खुशी कह रहे हैं 2006 के रूल्स कौन से थे बताओ भाई खुशी का दो कह, हजार 2006 के रूल्स कौन से थे 2015 के कौन से रूल्स हैं तो खुशी वो दूसरी क्लास को दोबारा से डाउनलोड करना आज और देखना जरूर 2006 के रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थे तब तुम शायद नींद में रहे हो तो अब बेटा आंख खुल गई है कोई बात नहीं आपका ये जवाब बताता है कि जब आंख खुले तभी सवेरा इसीलिए दो व्यू एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ओके खुशी तुम्हें जानकर ये खुशी हुई कि नहीं हुई हाँ अब आओ इसका आंसर लिखेंगे <coughs> तो मेरे पास अभी चार मिनट बचे भी हैं और मैं चाहता हूं इसका आंसर लिख भी दिया जाए <coughs> क्या आप ट्राई करेंगे आंसर लिखना कि मेरे को ही ट्राई करना है <coughs> तो हम ट्राई करते हैं आपने तो क्या ट्राई करना है हम ट्राई करते हैं ठीक है <coughs> तो हम अगले पेज पर बिल्कुल फ्रेश पेज से इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन सिक्स ऑफ शेड्यूल थ्री मुझे फटाफट फड़ से बताइए सबसे पहली बात क्या लिखी जाएगी एज पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 हजार पंद्रह वेन एनी कंपनी क्वालिफाई लिमिट ऑफ बताना जरा कौन सी रुपीज दो सौ पचास करोड़ इन नेटवर्थ देन सर्च कंपनी इट्स एसोसिएट्स And joint ventures will apply in this. <coughs> associates and joint ventures are <coughs> defined in. इंडी एस ट्वेंटी एट एंड इंडी एस ट्रिपल वन ये नंबर अभी आपको नहीं पता है लेकिन धीरे धीरे नंबर पता चल जाएंगे वहां पर डिफाइंड है तो मुझे फटाफट से बताओ अब मैं क्या लिखूं इन द गिवन केस इन द गिवन केस एफबीएल लिमिटेड एफ बी एल है नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर ऑन 31 मार्च 2007 <coughs> अब सात दो जीरो सात लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हेंस इट शुड अप्लाई इंडियस फ्रॉम वन फोर जीरो सेवन यहां से अप्लाई करेगी ऑल्सो पार्टनरशिप फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड एंटिटी it appears क्या मुझे बताओ आपको लगता है ये जॉइंट वेंचर है फटाफट फड़ से बताओ it appears to be joint venture <coughs> hence it should also apply indias however if Partners have specific rights and obligations to <clears throat> assets and liabilities of firm. देन इट इज नॉट बताना जी क्या होगा <coughs> अगर पार्टनर्स के पास स्पेसिफिक एसेट्स के राइट हैं देन इट इज नॉट ज्वाइंट वेंचर इन सच केसेस इट इज ज्वाइंट ऑपरेशन क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड क्ट हेन्स वी हैव एज्यूम्ड बताओ जी आपने क्या एज्यूम कर लिया दैट इट इज ज्वाइंट वेंचर्स इट विल ऑल्सो अप्लाई इन डेयस फ्रॉम वन फोर जीरो सेवन बताओ अभी भी और किसके बारे में बताना है आपने आपको ना हैंडराइटिंग हो सकता है अभी समझ न आए तो चिंता की बात नहीं कुछ दिनों में समझ में आनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी तो समझ में आना शुरू हो जाएगी ठीक है <coughs> मुझे बताइए एक और भी बात है वो क्या है एसोसिएट्स एस डब्ल्यू एल Is also <clears throat> will also apply. India, since it is clearly mentioned.

क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है क्या समझ रहे हैं एक्स का मतलब है इंस्टीट्यूट कह रहा है इसको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं ओके okay? मुझे फटाफट फड़ से बताओ अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता जॉइंट वेंचर के बारे में कि पार्टनरशिप फॉर्म इज अ जॉइंट वेंचर तो क्या आप उंगली उठाते उस पे फिर उंगली नहीं उठाते फिर हम बोलते हैं ये होगा ही लिखा हुआ है वैसे ही एसोसिएट के बारे में क्या ये लिखा हुआ है ये एसोसिएट है हां इट it अप्लाई also apply indias from 1407 bas बस ये आपका इसका आंसर था <coughs> मुझे फटाफट फड़ से बताइए क्या हम आगे चल सकते हैं <coughs> अब सुनो ध्यान से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट हो गया इसमें और कुछ नहीं है कवर करने वाला अगर कोई सेशन क्वेरीज होंगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को है क्या आपको समझ में आ रही बात कल नहीं बोल रहा संडे को नहीं बोल रहा मंडे को नहीं बोल रहा अगली क्लास कब बोल रहा हूं मैं आपकी ट्यूजडे को है और आगे से उसकी क्लासेस नॉर्मल चलती रहेंगी हमारी क्लासेस डेज अ वीक होंगी पर हमारी अभी जो क्लास है वो अब मंगलवार को होगी ठीक है तो अगर मान लीजिए ये बात समझ में आ गई है और लिख लिया है तो मुझे बता दें इसकी इसकी स्लाइड्स और क्लास आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी दो ढाई घंटे में अनूप हमारा अगला टॉपिक जो होगा दैट विल बी शेड्यूल थ्री तो हम ना शुरुआत में क्या पढ़ेंगे अनूप हम पहले पढ़ेंगे आपके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंड जो हमने कर लिया फिर करेंगे शेड्यूल थ्री फिर करेंगे इंड वन ये एक सेट है यानी शुरुआत इसी से की जाएगी इसके बाद हम फिर आ जाएंगे कुछ मसालेदार इंडियस पर इंड एस बारह जैसे मसालेदार पे आ जाएंगे अच्छा और मैं चौदह मई दो हजार चौबीस से आप अपने पास एक रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे जिसका नाम होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने कहा ना दो टॉपिक आपने रिकॉर्डेड देखने हैं तो दो में से एक टॉपिक जो रिकॉर्डेड होगा वो चौदह मई से स्टार्ट हो जाएगा तो चौदह मई तक मैं आपके पास एक बेस बना दूंगा फिर आप अपने पास ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी लाइव क्लास स्ट्रीम होगी फॉलोड जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा अराउंड फोर्टीन जून 2024 को मैं आपके पास फिर से लाइव सेशंस के अंदर आ जाऊंगा और अपने टॉपिक्स को आगे लेकर जाऊंगा फिर बीच में एक और पॉइंट आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का तो कुछ दिन जहां उसकी फिटिंग होगी वहां फिट किया जाएगा ओके यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन शुरुआत में फिट होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसके बाद में फिट होगा तो जहां वो दो टॉपिक फिट कर रहे हैं वो फिट किए जाएंगे नॉर्मल आप मॉर्निंग में क्लास रोज करते रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है ओके उत्सव इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द दे देंगे थैंक यू वेरी मच सी यू ऑन ट्यूजडे बाय